नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे टारगेट विथ हालो कॉल इंस्टीट्यूट में 50 कदम प्रश्न संग्रह के साथ आपका स्वागत करता हूं। पहला प्रश्न, हम हट जाएंगे स्क्रीन से तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं स्क्रीन से इसलिए हटता हूं ताकि आप क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लीजिए, और मेरे से पहले आपका आंसर कमेंट्स में आना चाहिए क्योंकि ये सभी जानते हैं गौरव पांडे क्लास के कमेंट्स और सारी कमेंट्स पढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो है आज का वो है आपका, निम्न में से किस स्थान पर खगोलीय वैधशाला नहीं है। निम्न में से किस स्थान पर खगोलीय वैधशाला नहीं है। खगोलीय वैधशाला मतलब क्या कहते हैं, जंतर मंतर, ठीक है। एक्चुअली ये हुआ क्यों, खगोलीय वैधशाला आई क्यों, समझने का प्रयास करिएगा। आप लोग इसको एक भाषा और कहते हैं जंतर मंतर। हुआ क्या था कि खगोलीय वैधशाला का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह या सवाई जयसिंह ने करवाया है, ठीक, समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। खगोलीय वैधशाला का निर्माण मोहम्मद शाह के शासनकाल में सवाई जयसिंह ने करवाया है। इनको मिर्जा राजा की भी उपाधि मिली थी। सवाई जयसिंह की खास बात क्या है कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में क्या हुआ कि ग्रह नक्षत्रों की गति लेकर वाद विवाद हुआ, ठीक, जो उनके दरबार में निवास करते थे, किसके, मोहम्मद शाह के। इसीलिए नक्षत्रों की गति नापने के लिए सवाई जयसिंह ने जिज मोहम्मद शाही नामक पुस्तक की रचना की है। जिज मोहम्मद शाही जो पुस्तक है इसमें ग्रह नक्षत्रों की गति के बारे में दिया गया है। और यही नहीं, जब इतना विवाद हुआ मोहम्मद शाह के शासनकाल में तो उस विवाद को खत्म करने के लिए सवाई जयसिंह ने खगोलीय वैधशाला का निर्माण किया, जिससे हम ग्रहों की गति और उनके और नक्षत्रों की गति पर नियंत्रण या उनके बारे में जान सकते हैं। और ये जो खगोलीय वैधशाला है ये भारत में 5 जगह है, ठीक, समझ जाइए। दिल्ली आप जानते ही होंगे, ठीक, 5 जगह है, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। कहां कहां दोस्तों, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी, इन्हीं 5 जगहों पर खगोलीय वैधशाला का निर्माण हुआ है। अब इसमें देखिए, वाराणसी में है, मथुरा में है, जयपुर में है, लखनऊ में नहीं है। इन तीनों के अलावा कहां कहां पर है दोस्त, उज्जैन में है और दिल्ली में है। तो इस खगोलीय वैधशाला जो है ये कहां पर नहीं है, लखनऊ में। तो आपका आंसर क्या हो गया, लखनऊ। और ये बहुत प्रचलित सवाल है, देखिएगा, ये अक्सर पूछा भी जाता है। तो खगोलीय वैधशाला जो थी, मैंने क्या कहा कि ग्रह नक्षत्रों की जो गति है उसको नापने के लिए इसका निर्माण सवाई जयसिंह या मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। आपका करंट अफेयर भी है, जो जयपुर है जिसको गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं, उसका भी निर्माण सवाई जयसिंह ने ही करवाया है। और यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को जो है वो क्या करता है, वो पुरानी इमारतों को संरक्षण प्रदान करता है और जिसका मुख्यालय पेरिस में है। तो भारत के अभी तक 35 ऐसी चीजें थी जिनको, जैसे क्या कहते हैं, उसमें आपका कुंभ मेला भी है, अहमदाबाद जिला भी है, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय है, हरियाणा कॉम्प्लेक्स है, तमाम चीजें हैं। तो कुल 35 थी जो यूनेस्को में थी, लेकिन जयपुर को भी अब शामिल किया जाएगा। इसको लेकर भारत की इमारतों का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट अर्थात यूनेस्को में जो संख्या होगी वो 36 हो जाएगी। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, पेरिस में। और गुलाबी शहर का निर्माण भी किसने करवाया है, सवाई जयसिंह ने। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि गुलाबी शहर का निर्माण किसने करवाया है, तो सवाई जयसिंह ने। यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न यात्रियों को क्रम से सजाइए। इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए दोस्तों, ध्यान से। बस आज जो भी 1-2 घंटे, 2.25 घंटे जो भी आप मेरे साथ आज रहेंगे
उम्मीद करता हूं। लोग कहते हैं ना, मैंने कई लोगों के वीडियो देखा है, तो कहते हैं कि 12 घंटे में संपूर्ण इतिहास खत्म, 5 घंटे में इतिहास खत्म। नहीं नहीं, हम इतिहास नहीं, हम आपको प्रश्न खत्म करवाएंगे। मुद्दा यह है कि हमारा यह टारगेट है कि हमारे प्रश्न ऑफ बंच से आपके एग्जाम में सवाल फंस जाए। जैसा कि मैंने वादा किया है अपने विद्यार्थियों से कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी के बैच खत्म होते होते मैं आपको 600 से 700 प्रश्न इतिहास के दूंगा, और मैं दे भी रहा हूं। उनसे पूछिए, वो खुद बताएंगे कि अभी तक कितने प्रश्न उनके पास हो गए हैं। तो अगला जो प्रश्न है, निम्न यात्रियों को क्रम से सजाइए। क्या प्रश्न है दोस्तों? निम्न यात्रियों को क्रम से सजाइए। पहला है व्हेनसांग, दूसरा है मेगास्थनीस, तीसरा है इब्न बतूता और चौथा है फायान। पहले इनके बारे में जानते हैं। आइए, बात क्या है कि पहले हम लेते हैं व्हेनसांग को। ये जो था व्हेनसांग, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के। और यही नहीं, इसकी खास बात क्या है कि इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। भारत में जितने भी यात्री आए उनसे जब तुलना की जाती है तो यात्रियों का राजकुमार भी किसे कहा जाता है? व्हेनसांग को। और यही नहीं दोस्तों, इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई की थी। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने बिहार में करवाई थी, जिसको हम ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहते हैं। तो ये जो चीनी यात्री था, चीन का था, चीनी यात्री था व्हेनसांग, ये क्या था? बौद्ध धर्म अनुयायी था। और व्हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जिसको हम यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। उसके बाद जो था वो था मेगास्थनीस। अब आप कहेंगे, सर पूरा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा दीजिए। अरे पूरा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा देंगे तो फिर बैच में क्या पढ़ाएंगे? बस आपको प्रश्न की व्याख्या के साथ साथ, आज इस 50 प्रश्न से आप उम्मीद, जैसे 10 प्रश्न से हम 100 प्रश्न कराने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार आज 50 प्रश्न से हम 500 प्रश्न कवर करने का प्रयास करेंगे। और आप खुद सवाल बनाने की हैबिट डाल लीजिए। हमारी TWA के द्वारा ऐसे कई सारी चीजें आपको दी जाएंगी, आपको खुद सवाल बनाने की कला हो जाएगा। और गौरव पांडे इस बात का आपसे वादा करता है, ठीक है, कि जो प्रश्न हम लेकर आते हैं, मैं लेकर आता हूं, वो प्रश्न ना ही आपको कोई संस्था, ना ही कोई प्रैक्टिस सेट, ना ही कोई किताब में मिलेगा, वो हम खुद बनाते हैं। तो मेगास्थनीस जो था ये क्या था? सेल्यूकस निकेटर ने इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। अगर व्हेनसांग के बारे में पूछा जाए तो इसने सीयूकी नामक पुस्तक की रचना की। और इंडिका नामक पुस्तक की खास बात क्या है कि इसी पुस्तक से इस बात की जानकारी मिलती है कि जो मौर्य वंश के शासक थे वो पिपलीवन वंश के थे, जिसका अर्थ होता है शूद्र जाति। उसके बाद जो था वो था इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था ये अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश का यात्री था। कहां का? अफ्रीका महादेश के मोरक्को देश का यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, मतलब मध्यकालीन भारत में। और इसने, इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक की रचना की है। और इसके साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी अर्थात प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अगला जो यात्री था वो था फाहयान। ये जो था ये भी एक चीनी यात्री था और ये गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और फायान को एक और नाम से जानते हैं, कुण नाम से। और इसने फूकोकी नामक पुस्तक की रचना की है। कहीं पर फूकोकी भी मिलेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो चार प्रमुख यात्री हैं, देखिए सवाल समझ दोस्त, ये जो चार प्रमुख यात्री हैं ये चार अलग अलग लोगों के शासनकाल में आए हैं। जैसा कि व्हेनसांग किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन। सबसे पुराना कौन है? मेगास्थनीस। किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहला ये होगा, दूसरा फिर गुप्त वंश के बाद पुष्यभूति वंश होता है, मतलब हर्षवर्धन होता है। तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया,
नंबर टू, व्यंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया नंबर तीन, और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया नंबर फोर। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो फट से ले लीजिए आप दोस्त, ठीक है। इसमें किताबों के नाम हमने लिख दिए हैं, जल्दी से दो सेकंड के अंदर फट से लीजिए। चलिए तो हम अपने प्रश्न पे आते हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले कौन आया है, मेगास्थनीस, दूसरे नंबर पे फायर, तीसरे नंबर पे व्हेनसैंग, और चौथे नंबर पे इब्न बतूता। मतलब पहले टू होगा, फिर फोर होगा, फिर वन होगा, फिर थ्री होगा, कहां पर ये ऑप्शन मिल रहा है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, सी। समझ में आया दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बस एकदम जुड़े रहिए दोस्तों, मजेदार चीजें ऐसे मिलती रहेंगी। देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। निम्न में से सारे प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, व्याख्या वाले प्रश्न इसलिए हम नहीं आपको करवा रहे हैं क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी में व्याख्या वाले प्रश्न पूछे जाने के चांसेस 0.1% है, पर वैसे सवाल हम आपको आपके बैच में करवा देंगे। पहले यहां समझिए, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। ये कुछ शासक हैं, सॉरी ये कुछ शासक हैं और ये उनकी उपाधियां हैं जिनको हम किसी ना किसी से इंडिकेट करते हैं। समुद्रगुप्त जो था, यहां समझिए, पहले सबके बारे में हम आपको समझा देते हैं। समुद्रगुप्त जो था वो गुप्त वंश का शासक था, ठीक। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था और इसने उत्तर भारत के नौ राज्यों को जीतने के लिए प्रसोद्धरण, मतलब जबरन उस पर कब्जा कर लेना, और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीतने के लिए ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई थी, मतलब ग्रहण कर लेना और विनती करने पर छोड़ देना। और इन्हीं विजय अभियानों के कारण विंसेंट स्मिथ ने, किसने दोस्तों, विंसेंट स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा था। कहां का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा था। और समुद्रगुप्त के बारे में खास बात यह भी है कि इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, इसीलिए इसे कवि राज की उपाधि से भी नवाजा जाता है। तो कभी भी पूछ दिया गया कि प्राचीन भारत में कवि राज की उपाधि से किसको नवाजा गया, तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। इसके साथ साथ इसी के शासनकाल में हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, और प्रयाग प्रशस्ति की खास बात बता देते हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, यह बात तो सभी जानते होंगे, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के अलावा तीन लोगों की और जानकारी मिलती है। कौन कौन है दोस्तों, बीरबल, जहांगीर और रानी विक्टोरिया। तो कभी भी आपसे पूछ, ये आया था, ये आपके समीक्षा अधिकारी में सवाल आया था कि निम्न में से किसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, और ऑप्शन में समुद्रगुप्त नहीं, जहांगीर था। प्रश्न अपने चेक कर सकते हैं, 2016 वाला जो कैंसिल हुआ है। तो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के अलावा बीरबल, जहांगीर और रानी विक्टोरिया का नाम भी मिलता है। उसके बाद जो दूसरा था वो था जहांदर्शा, सॉरी दोस्तों, जहांदर्शा के शासनकाल में जुल्फीकार खां के, जो इसका वजीर था, इसी के हाथों में सारी शक्तियां थी। और बात यह है कि एक वैश्या थी जिसका नाम था लाल कुमारी, और लाल कुमारी का अत्यधिक प्रभाव जहांदर शाह की जिंदगी में था, या जहांदर शाह के जीवन पे था, जिसकी वजह से अपने राज्य के प्रति यह एकदम लापरवाह हो गया था। और इसकी विलासिता और इसका जो आकर्षण था लाल कुमारी के प्रति, इसको कभी कभी इसके डिसीजन को मूर्खता से भी तुलना की जाने लगी, इसीलिए जहांदर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना गया। किस नाम से, लंपट मूर्ख नाम से। उसके बाद था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर की खास बात क्या है कि जो सिख थे, एक बंदा बहादुर उनका नाम था,
जिनको सच्चा बादशाह के नाम से भी जानते हैं। बंदा बहादुर की हत्या फरुख सियर ने ही की थी। किसकी हत्या? बंदा बहादुर की हत्या, जिसको हम सच्चा बादशाह भी कहते हैं, इसकी हत्या किसने की थी? फरुख सियर ने। और उसके साथ साथ इसी ने ही 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया, जिसके कारण अंग्रेजों को कई सारी व्यापारिक रियायतें मिली, क्योंकि इसको बीमारी हो गई थी। कुछ लोग पीलिया कहते हैं, कुछ लोग फोड़ा कहते हैं। और 1717 में जब जॉन सुरमन मिशन भारत आया था, तो उसके साथ हैमिल्टन नामक डॉक्टर आया था, और हैमिल्टन नामक डॉक्टर ने इसकी बीमारी का इलाज किया था, जिसके कारण इसने मात्र 3000 रुपए वार्षिक दर से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अनियमित रूप से व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को रियायत दे दी थी। और चूंकि ये अपने साम्राज्य के प्रति बहुत ही क्या कहते हैं, निंदनीय काम करता था, और ये थोड़ा डरपोक टाइप का था, इसीलिए इसको घृणित कायर के नाम से भी जाना गया। किस नाम से? घृणित कायर। और दूसरा थे राजा जयसिंह, जिनके बारे में पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया। राजा जयसिंह को सवाई जयसिंह और राजा जयसिंह की उपाधि किसने दी थी? सवाई जयसिंह की उपाधि जहांदार शाह ने, और मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? फरुख सियर ने। कहीं कहीं पर उल्टा भी मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए। चलिए, तो प्रश्न पे आते हैं। लंपट मोर किसको कहा गया? जहांदार शाह को, सही है। मिर्जा राजा किसको कहा गया? जयसिंह को, यह भी सही है। घृणित कायर किसको कहा गया? फरुख सियर को। ईरान का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। तो आपका आंसर हो गया ये। कौन सा कूट गलत है? ईरान का नेपोलियन, क्योंकि समुद्रगुप्त को ईरान का नेपोलियन नहीं, भारत का नेपोलियन कहा गया था। और मुद्दा यह उठता है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? तो ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया था? नादिर शाह को। समझ में आया दोस्तों? ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? नादिर शाह को। क्लियर? अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अब निम्न में से अकबर के दरबार में कौन नहीं आया था? आप चाहे तो इसका फोटो ले लीजिए। निम्न में से अकबर के दरबार में कौन नहीं आया था? देखिए, अकबर के दरबार में कई सारे यात्री और व्यापारी आए थे, क्योंकि अकबर के शासन काल तक पुर्तगाली भारत आ ही चुके थे। अकबर के आखिरी समय शासन काल तक क्या कहते हैं, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हो गई थी, और 1596 में डच व्यापारी भी भारत आ रहे थे। तो ये जो यात्री आए थे इसके शासन काल में, जो आया था राल्फ फिंच। राल्फ फिंच जो था, ये पहला अंग्रेजी व्यापारी था। पहला अंग्रेजी व्यापारी जो था वो कौन था? राल्फ फिंच। फ्रांसिस बर्नियर जो था, ये अकबर के शासन काल में नहीं आया था, या फ्रांसिस बर्नियर जो था, ये मुगल सेना का चिकित्सक था। किसका? मुगल सेना का चिकित्सक था। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। जॉन मिल्टन जो था, ये रानी एलिजाबेथ का राजदूत था। किसका राजदूत? रानी एलिजाबेथ का। और मोंसेरात जो था, ये सलीम का शिक्षक था। जनरली सलीम का जो शिक्षक, जो सलीम था, जिसको जहांगीर कहते हैं, उसका जन्म सूफी संत सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। और यही नहीं, सलीम का शिक्षक मोंसेरात भी था और अब्दुल रहीम खान खाना भी थे। तो पूछा गया सवाल है कि निम्न में से अकबर के दरबार में कौन नहीं आया था? तो राल्फ फिंच भी आया था, जॉन मिल्डन भी आया था, मोंसेरात भी आया था। कौन नहीं आया था? फ्रांसिस बर्नियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रांसिस बर्नियर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं।
इन प्रश्नों का नोट्स बनाते जाइएगा दोस्तों। ये देखिए नया प्रश्न है, ठीक, ये प्रश्न नया है, कुछ लोगों के लिए पुराना है जो मुझसे पढ़ चुके हैं। अस्तोमा सदगमय किस वेद से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। अस्तोमा सदगमय किस वेद से लिया गया है तो समझिएगा दोस्तों। अस्तोमा सदगमय लिया तो गया है वेद से, थोड़ा सोचिए जो लोग पहली बार सुन रहे हैं। चार वेद थे ठीक वैदिक साहित्य में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे पुराना वेद जो था वो ऋग्वेद था और सबसे नवीनतम वेद जो था वो यजुर्वेद था। ऋग्वेद जो था इसमें देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्र थे और सामवेद जो था ये गाए जाने योग्य मंत्रों का संकलन था, और यजुर्वेद जो था, यजुर् मतलब यज्ञ होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञ थे, और जो अथर्ववेद था इसमें तंत्र मंत्र झाड़ फूंक जादू टोना इत्यादि के बारे में कहा गया है। और खास बात यह है कि वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद इन तीनों को मिलाकर त्रेई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रेई कहते हैं। और ऋग्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? आयुर्वेद है। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्ववेद है, और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। इसकी रचना प्रजापात ने किया है, कहीं कहीं प्रजापति भी मिलेगा। इसकी रचना नारद ने की है और इसकी रचना विश्वामित्र ने किया है। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद है, और शिल्पवेद की रचना किसने की है? विश्वकर्मा ने किया है। बात यह है कि ऋग्वेद में 10 मंडल का जिक्र मिलता है और उसी 10 मंडल में तीसरा मंडल गायत्री मंत्र के बारे में कहता है, और जो ये अस्तोमा सदगमय शब्द है ये ऋग्वेद से ही लिया गया है। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि अस्तोमा सदगमय किस वेद से लिया गया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। क्योंकि सामवेद का ऐतिहासिक महत्व तो बहुत कम था, क्योंकि गाए गए 1549 मंत्रों में से मात्र 75 मंत्र ही सामवेद के थे। यजुर्वेद में यज्ञों की बात की गई थी, इसमें वाजपेय यज्ञ, राजसू यज्ञ, हाथियों के पालने का जिक्र जो है वो यजुर्वेद में मिलता है। और अथर्ववेद में अंग और मगध महाजनपद का उल्लेख, मृत्युलोक के देवता राजा प्रशिक्षित जो कुरु के राजा थे उन सबके बारे में मिलता है। तो जितने भी क्या कहते हैं, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, अस्तोमा सदगमय हो गया, ये सारी चीजों का जो उल्लेख मिलता है ये किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहां हुआ? नया लग रहा होगा यह सवाल कई लोगों के लिए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीजों को समझते चलिए दोस्त, सवाल बाय सवाल, सम बाय सम, और उसके सॉल्यूशंस भी आप बनाते रहिए। और जब सॉल्यूशंस आप 50 सवाल के बना लेंगे उसके बाद कॉपी खोलिएगा, आपको पता चलेगा कि आपने कितने नोट्स कंप्लीट कर लिए। जनरली क्या था कि 1920 में जब क्या कहते हैं किसान आंदोलन स्टार्ट हो गया था 1920 से, ठीक है, कई सारे किसान आंदोलन चल रहे थे उसी समय 1920 में, बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का गठन किया, एनजी रंगा ने आंध्र किसान सभा का गठन किया, स्वामी सहजदानंद ने बिहार किसान सभा का गठन किया, फजल मुल्क ने कृषक पार्टी की कृषक सभा पार्टी का गठन किया। तो ये सब छोटी छोटी पार्टियां जो थी किसानों के फेवर में गठित हो रही थी, और इन्हीं पार्टियों में बैठक हुई और ये डिसाइड किया गया कि सभी का अगर मत और व्यू एक है तो क्यों ना किसी एक पार्टी का गठन किया जाए। यही रीजन है
कि 1936 में, समझिए यही रीजन है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। कब? 1936 में इसका गठन कहां हुआ? लखनऊ में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो सहजदानंद स्वामी बने थे और जो महासचिव बने थे वो एनजी रंगा थे। एनजी रंगा दोस्तों इसके महासचिव थे और स्वामी सहजदानंद इसके अध्यक्ष थे। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसके तहत क्या हुआ कि यह डिसाइड किया गया कि किसानों के जागरण के लिए, समझिए मेरी बात को, किसानों के जागरण के लिए तमाम प्रकार की सभाएं होंगी जिला स्तर पे, प्रांत स्तर पे, ठीक तमलुक स्तर पे। और वो जो सभाएं होंगी उसमें किसानों को जागरूक किया जाएगा, किसानों की आर्थिक दशा या उनकी दयनीय स्थिति को जाना जाएगा और उनका समर्थन किया जाएगा। इन्हीं समर्थनों के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय किसान सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। आप देख लीजिए दोस्त, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल अगले प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा? ये वाला, सती प्रथा के बारे में जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सती प्रथा के बारे में जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? देखिए दोस्त, बात क्या है कि प्राचीन भारत में कई सारे अभिलेख लिखे गए जो किसी ना किसी चीज की जानकारी देते हैं। जैसे कोई भूमिदान के बारे में जानकारी देता है, कोई स्वयंवर के बारे में जानकारी देता है, कोई सती प्रथा के बारे में जानकारी देता है, कोई गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी देता है, ठीक है, कोई क्या कहते हैं हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय के युद्ध के बारे में जानकारी देता है। तो तमाम अभिलेख थे, उन्हीं अभिलेखों के साहित्यिक स्रोतों को आधार बनाकर लोग या हम अपना इतिहास लिखते हैं। और ये जो अभिलेख हैं कुछ ऑप्शन में, ये सारे के सारे जरूरी हैं। आपका जो प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लेना था आप ले लीजिए, आपका जो प्रश्न है कि सती प्रथा के बारे में जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है रुमिनदेई अभिलेख। रुमिनदेई जो है, इसकी खास बात क्या है, इसका निर्माण या इस अभिलेख या शिलालेख को अशोक ने नेपाल की यात्रा के दौरान लिखवाया था। और इस शिलालेख से, अभिलेख से गौतम बुद्ध के जन्म की जानकारी मिलती है। इसी से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो नेपाल में हुआ था। मतलब गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु जिले के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और यही नहीं, रुमिनदेई जो शिलालेख है ये अशोक का सबसे छोटा शिलालेख है। उसके साथ साथ ये भी खास बात है कि अशोक का एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो आर्थिक नीति से जुड़ा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि रुमिनदेई अभिलेख या रुमिनदेई शिलालेख जो है ये गौतम बुद्ध के जन्म की जानकारी देता है। उसके साथ साथ, समझिए बात को, उसके साथ साथ ये अशोक का सबसे छोटा शिलालेख है और ये एकमात्र अशोक का ऐसा शिलालेख है जो किस नीति से जुड़ा है? आर्थिक नीति से। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख जो है यह मौर्योत्तर काल की बात है। सातवाहन वंश का शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी और उसकी माता थी गौतमी बलसिरी। समझिए, नासिक अभिलेख को गौतमी बलसिरी ने लिखवाया है जिससे गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? गौतमी बलसिरी के नासिक अभिलेख से। अगला जो अभिलेख है ये जूनागढ़ का अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख की खास बात क्या है कि भारत में संस्कृत भाषा में लिखा गया यह सर्वप्रथम अभिलेख है। याद रखिएगा कि संस्कृत भाषा में लिखा गया जो सर्वप्रथम अभिलेख है वो जूनागढ़ का अभिलेख है। इसके साथ साथ
इस अभिलेख को रुद्रदामन प्रथम ने लिखवाया था, जो कि एक शक्शासक था, और इसी अभिलेख से हमको स्वयंवर की जानकारी भी मिलती है। मतलब स्वयंवर के बारे में जानकारी देने वाला सर्वप्रथम जो अभिलेख है वो जूनागढ़ का अभिलेख है, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम मिलता है, समझिएगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है वो भी जूनागढ़ अभिलेख में ही मिलता है। इसी से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य की मदद से सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो कभी भी याद रखिएगा कि पूछा गया कि संस्कृत भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम अभिलेख कौन सा है, तो जूनागढ़ अभिलेख, और यह भारत का सबसे बड़ा अभिलेख भी है। किसने लिखवाया है? रुद्रदामन प्रथम ने। और इसी अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम पहली बार मिलता है, और इसी अभिलेख से स्वयंवर की जानकारी भी मिलती है। अब भाई, ये तीनों में तो कहीं मिला नहीं हमको सती प्रथा की जानकारी माला, तो जाहिर सी बात है सती प्रथा की जो जानकारी मिलती है वो किस अभिलेख से मिलती है? एरण अभिलेख से मिलती है। किस से? एरण अभिलेख से। और एरण अभिलेख को लिखाने वाला गुप्त वंश का शासक था भानुगुप्त, और भानुगुप्त का सेनापति था गोपराज, जिसकी मृत्यु के बाद गोपराज की पत्नी ने सती प्रथा कर लिया था, इसीलिए भानुगुप्त ने उस सती प्रथा का वर्णन किस अभिलेख में किया है? एरण अभिलेख में। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए दोस्तों इसका। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अठारह में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मतलब देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, किस समाचार पत्र के विरोध में सर्वप्रथम पास हुआ? पहले तो मुद्दा यह है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या, ठीक? अब मेरी बात समझिए, बात क्या हुआ कि 1857 की क्रांति के बाद जो भारत में समाचार पत्र और पत्रिकाएं थी उनका और तेजी से और अधिक संख्या में प्रकाशन होने लगा, और जो उनका प्रकाशन होता था उसमें वो भारत वाले अपने व्यक्तित्व को कूट कूट के लिखते थे। अपने व्यक्तित्व को लिखेंगे तो मतलब किसके विरोध में लिखेंगे? अंग्रेजों के विरोध में लिखेंगे, जिसके कारण अंग्रेजी साम्राज्य पर बार बार असर पड़ रहा था। और यही नहीं, जब भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन बना तो लॉर्ड लिटन जो था वो एक साम्राज्यवादी शासक था, और लॉर्ड लिटन के शासन काल में अकाल पड़ा था जिसकी वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, और उसी समय उसने दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया जिसके कारण आम जनता में और असंतोष हो गया, और जब आम जनता में असंतोष हो गया तो वो एकदम बेधड़क बिना डरे अंग्रेजों के बारे में, वायसराय के बारे में खुल खुलकर लिखने लगे, जिसकी वजह से लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। किसने लाया? लॉर्ड लिटन ने। इसके तहत यह कहा गया कि भारत को, समझिएगा, भारत का कोई भी समाचार जो पत्र है या उस समाचार पत्र के जो संपादक हैं वो मजिस्ट्रेट के साथ ये बॉन्ड कर ले कि कोई भी ऐसी बात अंग्रेजी रियासतों के बारे में नहीं लिखी जाएगी जो उनके विरुद्ध हो, और अगर वो बॉन्ड नहीं करते हैं तो अपना समाचार पत्र संपादन होने के पहले मजिस्ट्रेट को पढ़ाएंगे और मजिस्ट्रेट का निर्णय ही आखिरी निर्णय माना जाएगा कि भाई ये जाने लायक है कि नहीं जाने लायक है। इसीलिए इस एक्ट को, इस कानून को मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया, जिसको गैगिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। किससे? गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया। और इसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो पत्रिका थी, जो समाचार पत्र था सोम प्रकाश, उसी पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया। कई सारों पर लगाया गया था
लेकिन सबसे पहले जिस समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया गया तो वो कौन था? सोम प्रकाश। तो आपका आंसर हो जाएगा सोम प्रकाश। ये किसका था? ईश्वर चंद्र विद्या सागर का। मुद्दा ये है, एक समाचार पत्र आता था पायोनियर, अभी भी आता है, आप देखते होंगे पायोनियर, ठीक। पायोनियर जो था वो एकमात्र ऐसा पत्र था जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। ध्यान सुनिए, तो बहुत ही जरूरी जरूरी बातें बता रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जरूर है ये, लेकिन ये सारे एग्जामों में आपको हेल्पफुल होगा। लेवल डाउन हो रहा है तो वनडे के लिए, लेवल बीच में आ रहा है तो खंड से लेवल ऊपर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है पीसीएस वगैरह के लिए भी। तो क्या कह रहा था मैं आपसे कि पायोनियर जो समाचार पत्र था उसी ने ही केवल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। लेकिन जब भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन बना, कौन? लॉर्ड रिपन, जो कि भारत के प्रति हमेशा उदारता की नीति अपनाता था। लोग कहते हैं इसके जाने के बाद भारत वाले की आंखों में आंसू आ गया था और लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया किसने था? तो किसने लगाया था? लॉर्ड लिटन ने। उत्तन मातन जो है ये जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशन किया गया भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था, ठीक। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। दिग्दर्शन जो था ये पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था जो बंगाली का था। बंगाल गजट भी है, नो डाउट, बंगाल गजट जो है वो भी भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है, लेकिन वो किसी अंग्रेज के द्वारा निकाला गया और ये किसी बंगाली के द्वारा निकाला गया पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। और हिंदू पैट्रियट जो है ये हरिश्चंद्र मुखर्जी की पत्रिका है, समझिएगा, हरिश्चंद्र मुखर्जी की पत्रिका है जिससे नील विद्रोह का वर्णन मिलता है। तो कभी भी पूछा गया कि नील विद्रोह का वर्णन किस पत्रिका में मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी की पत्रिका में मिलता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको करना है कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न बहुत इजी बनाया हूं, लेकिन ये प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न जो है कई जगह पूछ दिया जाता है, ठीक। और दोस्त क्लास को एकदम ईमानदारी से देखिएगा, अपनी चीजों का जो वर्णन है वो बताइएगा, क्या सही है क्या गलत है हम उस पर सुधार करेंगे। लेकिन ये जो 50 का दम हमारी संस्था TWA की तरफ से आया है स्पेशली खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, एक महीना से 40 दिन एग्जाम उनका शेष है, तो उनसे हम ये बस रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको वीडियो को, हर टीचर के वीडियो को देखिएगा, हम पर भरोसा करिएगा, ठीक। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं क्वेश्चन का भंडार दे रहा हूं, वो तो खुद क्वेश्चन बन चुके, कहते हैं ना सर कौन सा प्रैक्टिस सेट ले, वो खुद का प्रैक्टिस सेट बना लेंगे। तो आप इन प्रश्नों को आपके लिए लाया गया है, जो सक्षम नहीं है, जो बैच से नहीं जुड़ पा रहे हैं, ये उनके लिए लाया गया है, या जो बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो जो अगर आपको जुड़ने के इच्छुक हैं तो हमारा नीचे नंबर रहता है, स्क्रॉल में दिया जाता है, तो ये उनके लिए सारे प्रश्न लाए जा रहे हैं ताकि उनको ये चीज प्रॉफिट हो सके, उनकी चीजों में सुधार कर सके, उनकी तैयारी कितने पैमाने पर है वो जान सके। तो चलिए, निम्न में से खान अब्दुल गफ्फार खां की कौन सी उपाधि नहीं है? ये बहुत इजी सवाल है। खान अब्दुल गफ्फार खां की खास बात क्या है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, मतलब डांडी मार्च या नमक आंदोलन, जिसकी शुरुआत गांधी ने अपने साबरमती आश्रम से की थी 12 मार्च को, तो उस समय उस आंदोलन का नेतृत्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, कहां पर दोस्तों? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कौन कर रहे थे? गफ्फार खां। और यहां पर इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया था, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का सेवक। और इस संगठन के लोग लाल रंग का वस्त्र पहनते थे, इसीलिए इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना गया। और यही उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के लोगों ने गांधी को मलंग बाबा की उपाधि दी थी।
किसको मलंग बाबा की उपाधि दी थी? गांधी को। और हम खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी और फकरे अफगान के नाम से जानते हैं। और ये भारत के सर्वप्रथम विदेशी हैं, या भाई साहब कह सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद ये सबसे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के नागरिक नहीं थे, जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आपका आंसर क्या होगा? फखरे अफगान किसे कहा गया, यह भी सही है। सीमांत गांधी किसे कहा गया, यह भी सही है। मलंग बाबा उपाधि किसकी थी? खान अब्दुल गफ्फार की नहीं थी दोस्तों, गांधी की थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए सारे पैटर्न पर, सारे प्रकार के प्रश्न आपके सामने हाजिर किया हूं, और उसके साथ साथ इतिहास के जितने टॉपिक हैं सारे टॉपिकों को मैंने टच किया है। आधुनिक के हर टॉपिक को सर्च किए हैं, चाहे आप कुछ भी, या यूरोपियों का आगमन उठा लीजिए, चाहे 1857 क्रांति उठा लीजिए, चाहे गांधी उठा लीजिए, चाहे जलियांवाला बाग, कुछ भी उठा लीजिए। मध्यकालीन के सारे टॉपिक को टच किए हैं, दक्षिण भारत के टॉपिकों को टच किया गया है, उसके बाद विजयनगर बहमनी साम्राज्य, प्राचीन भारत, सारे टॉपिकों से एक एक सवाल, दो दो सवाल उठाए गए ताकि इन सवालों से आपका टॉपिक क्लियर हो जाए इन 50 प्रश्नों में। इसीलिए आपसे कह रहा हूं इसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा देगा। दसवें प्रश्न में मिलाप कीजिए। ये क्या है दोस्त? ये शासक हैं कुछ, ठीक, मध्यकालीन के, और ये कुछ इमारतें हैं जो बनाई गई हैं इनमें से सबके द्वारा। तो अतरकिन दरवाजा, हो सकता है ये बहुत लोगों को नया लग रहा हो। अतरकिन दरवाजा जो है इसका निर्माण राजस्थान में हुआ है, और इसी को आधार बनाकर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। और अतकरीन दरवाजे का निर्माण करवाने वाला जो था वो इल्तुतमिस था। तो ऑप्शन में इल्तुतमिस खोजिए, तो सी का वन। इमामबाड़ा जो है वो लखनऊ में है, दो ठो है, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा। तो जो असफुद्दौला था उसने अंग्रेजों से बचने के लिए इमामबाड़ा बनाया है। वहां आप घूमने जाएंगे तो आपको गाइड लोग बताते हैं कि आप तीसरे तल्ले पर कान लगाएंगे तो उधर से भी आवाज आती है, ठीक है, पूरा मतलब बहुत अच्छे से इसको बनाया गया है। तो इमाम बाड़े का निर्माण किसने करवाया है? असफुद्दौला। तो डी का टू। अगला अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के सामने करवाया है। कुतुब मीनार घूमने जाएंगे तो वहां आपको अलाई दरवाजा मिलेगा। तो अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके सामने? कुतुब मीनार के सामने। अब बचा अढ़ाई दिन का झोपड़ा, तो एक ही बच रहा है बी। तो अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहां पर दो मिनट आपको रोकना चाहता हूं मैं। कहीं कहीं किताबों में बख्तियार खिलजी भी मिलेगा, ठीक, बख्तियार खिलजी गौरी का भी सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का भी था। तो अगर ऑप्शन में आपको बख्तियार खिलजी रहा, जैसे आपको सीधा वन लाइनर सवाल आ गया अढ़ाई दिन झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया, ऑप्शन में ऐबक और बख्तियार खिलजी दोनों रहेगा, तो आप प्राथमिकता बख्तियार खिलजी को दे दीजिएगा। अगर बख्तियार खिलजी नहीं रहा तो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में बनाया गया था। और अढ़ाई दिन झोपड़े, खास बात क्या है, ये राजस्थान के अजमेर में है, ठीक, अलाई दरवाजा दिल्ली में है और इमामबाड़ा कहां है? लखनऊ में। यहां देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक, दिल्ली में कुतुब मीनार सामने, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था, सभी जानते हैं। यहां पर आए, अजमेर में चौहान वंश का शासक था जिसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ, और विग्रहराज चतुर्थ ने यहीं पर संस्कृत विद्यालय बनवाया था। कौन सा विद्यालय? संस्कृत विद्यालय। और विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा था जिसे हरकेली नाटक के नाम से जानते हैं, और उसने इस विद्यालय की दीवारों पर हरकेली नाटक की पंक्तियां गुदवाई थी। और बख्तियार खिलजी ने क्या किया कि इस विद्यालय की छत को तुड़वाकर गुंबज बनवा दिया, मस्जिद बनवा दिया,
जिसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा गया। तो कभी भी आपसे सवाल पूछा, कुछ लोग कहते हैं कि अजमेर में अढ़ाई दिन का मेला लगता है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वो गुंबज का जो निर्माण पूर्ण हुआ वो अढ़ाई दिन में हुआ, इसलिए कहा जाता है। लेकिन कभी भी आपको सवाल अगर टफ करके पूछ दिया गया कि अढ़ाई दिन झोपड़े पर किस नाटक की पंक्तियां मिलती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा हरिकेली नाटक की। तो पहले का ए का थ्री, ए का थ्री दो ऑप्शन में है, मतलब से ए और डी छोड़ दीजिए। बी का फोर, बी का फोर, ए का थ्री, बी का फोर, तो आपका आंसर हो गया बी। सी का वन और डी का टू, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। हाँ, निम्न घटनाओं को क्रम से सजाइए, निम्न घटनाओं को क्रम से सजाइए। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, बरदौली सत्याग्रह, खिलाफत पार्टी का गठन और रॉलेस सत्याग्रह। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये कब कब हुए हैं। जब तक यही नहीं पता चलेगा तो आप इनको क्रम से सजाएं कैसे। तो आइए नोट पर चलते हैं। देखिए, पहला था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद लिख दे रहे, आप समझ जाइएगा। हुआ क्या था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो यहां के मजदूरों का बोनस समाप्त कर दिया गया था। लेकिन खास बात क्या है कि यहां पर प्लेग फैला था, तो यहां के जो मजदूर थे उनको बोनस दिया जा रहा था, और जब प्लेग खत्म हो गया तो यहां के मजदूरों का बोनस भी समाप्त कर दिया गया। और प्रथम विश्व समाप्त हुआ, जब भी विश्व समाप्त होता है तो महंगाई बढ़ती है, तो यहां के मजदूरों की मांग थी कि कुछ दिन के लिए और इस बोनस को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन जब अंग्रेजों ने बोनस को समाप्त कर दिया तो यहां के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। और इस जो मिल मजदूर के मालिक थे अंबालाल साराभाई, कौन थे? अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई की बहन थी अनुसुईया बेन। कौन थी? अनुसुईया बेन। इन्होंने 1918 में गांधी को पत्र लिखा और गांधी को अहमदाबाद आने के लिए कहा, और गांधी अहमदाबाद गए और गांधी ने यहीं पर सर्वप्रथम अपना भूख हड़ताल किया था। यह सवाल बहुत पूछा जाता है कि गांधी ने अपना सर्वप्रथम भूख हड़ताल कहां किया, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया। दूसरा क्या है? बरदौली सत्याग्रह। बरदौली जो है दोस्तों, यह गुजरात में है, समझिए। हुआ क्या था कि यहां पर लगान ना देने के लिए किसानों का आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। किसके लिए? लगान ना देने के लिए, लगान ना देना। और यही नहीं, यहां पर कुछ कलिप राज लोग थे, मतलब अश्वेत काले लोग, जिनको हाली पद्धति से मजदूरी करने के लिए विवश किया जा रहा था। किस पद्धति से? हाली पद्धति से। हाली पद्धति का बारे में हो सकता है पहली बार कई लोग सुन रहे होंगे। हाली पद्धति मतलब होता है बधुआ मजदूर, बधुआ मजदूर सुने होंगे। तो कहीं भी आपको यह सवाल ऐसे पूछ लिया गया कि हाली पद्धति का अर्थ क्या है, तो आप कहिएगा बधुआ मजदूर। यह आपसे पूछ लिया गया कि हाली पद्धति के द्वारा कहां के किसानों से खेती कराई जा रही थी, तो आंसर हो जाएगा बरदौली सत्याग्रह। तो बरदौली में हाली पद्धति के अनुसार, मतलब बधुआ मजदूरों को विवश किया जा रहा था खेती करने के लिए, जिसके कारण यहां के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यहां पर इसका नेतृत्व करने पहले गांधी गए थे और गांधी ने इन कलिप राज लोगों को रानी पराज की उपाधि दी थी, और जो कि हमारे वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिन्होंने क्या कहते हैं खेड़ा सत्याग्रह में, ठीक है, असहयोग आंदोलन, तमाम प्रकार सत्याग्रह में उनको विजय मिली थी। इसीलिए गांधी के कहने पर फरवरी 1928 में वल्लभ भाई पटेल बरदौली गए, और बरदौली में वल्लभ भाई पटेल को सफलता मिली, और इसी समय गांधी ने यहां की महिलाओं की सहायता से वल्लभ भाई पटेल को किस चीज की उपाधि दी? सरदार की उपाधि। और बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। मैंने कहा 4 फरवरी 1928 को गए,
और 12 अगस्त 1928 को बरदौली विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला कौन सा है? खिलाफत पार्टी। खिलाफत पार्टी की खास बात यह है कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इराक को तुर्की से अलग कर दिया गया, और भारत में मुसलमानों ने अंग्रेजों की इसीलिए सहायता की थी कि अगर अंग्रेज जीतेंगे, मित्र राष्ट्र जीतेंगे, तो किसी धार्मिक नीति से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। परंतु उसके बाद भी अंग्रेजों ने धार्मिक नीति से हस्तक्षेप किया, जिसके कारण मतलब वहां के खलीफा को समाप्त किया। अब आप कहेंगे सर पूरा समझा दिए, पूरा अभी समझा देंगे तो बैच में क्या समझाएंगे? क्लाइमेक्स देखिए ना, मूवी तो बैच में मिलेगी, पर प्रश्न जो है वो आपको मूवी की तरह मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। तो वहां के जब अंग्रेजों ने मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया, तो उनके विरोध में भारत में अली ब्रदर्स ने, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक, अली ब्रदर्स ने, सैयद बंधु नहीं, सैयद बंधु दूसरे हैं दोस्तों, जो वो मतलब जो फरुख सियर क्या कहते हैं, जिसकी हत्या करने का सोचा और उन्होंने मराठा साहू को बोलकर फरुख सियर की गला दबाकर हत्या करवा दी, ठीक है, इसके लिए भी सुघृणित कायर कहा जाता है। तो अली ब्रदर्स जिसमें थे मोहम्मद अली, जिन्ना मत समझिएगा, और शौकत अली, इन्होंने भारत में 1919 में किस पार्टी का गठन किया? खिलाफत पार्टी का। अगला कौन सा है? अगला है रॉलेट सत्याग्रह। कौन सा है? रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह जो है वो रॉलेट एक्ट के विरोध में लाया गया, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण बनता है। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट को जब मार्च 1919 में लागू किया गया तो 6 अप्रैल 1919 को गांधी ने बंबई में रॉलेट सत्याग्रह का गठन किया। कहां पर? बंबई में। और संपूर्ण देश में पूरे हड़ताल का आह्वान किया गया, और उसी समय 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी और उधम सिंह ने 1940 में ब्रिटेन में जाकर ओ डायर की हत्या कर दी, जिससे निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवाई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस पार्टी का गठन हुआ था? खिलाफत पार्टी का, क्योंकि दोनों 1919 है। घटना का क्रम हम बार बार कहेंगे, घटना का क्रम पता रहेगा तो डेट ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो पहला कौन नंबर पे कौन है? रॉलेट सत्याग्रह। दूसरा नंबर पे खिलाफत पार्टी, पहला नंबर पे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, दूसरे नंबर पे रॉलेट सत्याग्रह, तीसरे नंबर पे खिलाफत पार्टी और चौथे नंबर पे बरदौली सत्याग्रह। फोटो खींचना चाहते हो किसी से, फट से 2 सेकंड के अंदर, फिर आगे बढ़े। चलिए, तो पहले नंबर पे कौन है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। देखिए पूरे ऑप्शन में भी पहला पहला है, तो यहीं से आप जान जाइए कि ये पहला रहेगा। फिर कौन सा है? रॉलेट सत्याग्रह। फिर कौन सा है? खिलाफत पार्टी। फिर कौन सा है? बरदौली सत्याग्रह। मतलब 1-4-3-2, 1-4-3-2, तो आपका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। कौन सा आंसर हो गया आपका दोस्तों? डी हो गया। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। यूरोपियों के जाने का क्रम बताइए। यह मेरा फेवरेट टॉपिक है। रीजन क्या है कि सभी किताब, सभी टीचर यूरोपियों के आने के क्रम को बताते हैं, पर जाने के क्रम को नहीं बताते। ये सिर्फ मैं बताता हूं, ये जो मेरे विद्यार्थी जो मुझसे पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो जानते हैं कि हां सर सिर्फ आप ही ने आज तक बताया है। आने वाला सबको पता है भाई, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, पर गया कौन सबसे पहले, इसका क्रम। तो देखिए सबसे पहले जाने वाले डच थे 1795 में, ठीक, कहीं कहीं 93 में मिलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद जो गए वो गए ब्रिटिश 1948 में, इसके बाद जो गए वो गए फ्रांसीसी। आप ये समझ रहे होंगे कि फ्रांसीसियों के तो उपनिवेशवाद का अंत हो गया है, तो ये बाद में क्यों गए? इसीलिए। और सबसे आखिरी में जो गए वो थे पुर्तगाली। आने वाले भी सबसे पहले पुर्तगाली थे और जाने वाले सबसे आखिरी में भी कौन थे? पुर्तगाली। तो जब क्रम हम सजाएंगे तो क्या क्रम रहेगा? सबसे पहले कौन गया? डच। फिर कौन गए? अंग्रेज। फिर कौन गए? फ्रांसीसी। फिर कौन गए? पुर्तगाली। तो आपका आंसर हो गया डी, 1-3-4-2, 1-3-4-2। और इसको जरूर लिख के रखिएगा,
वह दावा करता हूं इस बात का कि अगर किसी भी किताब में यूरोपियों के जाने का क्रम मिल जाए या किसी के नोट्स में मेरे नोट्स को छोड़कर, तो जरूर हमसे कहिएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को मजा आ रहा होगा। आइए अब अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 13वां प्रश्न जो कि ये है, ये भी बहुत लाजवाब प्रश्न है। हल्का नहीं लग रहा आपको? हल्का भी लग रहा है, बहुत लाजवाब प्रश्न है। कौन सा शासक जीटी रोड से नहीं जुड़ा है? जीटी रोड माने ग्रैंड ट्रंक रोड। बड़ा कर दो इसको थोड़ा दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगी। चलिए, कौन सा शासक जीटी रोड से नहीं जुड़ा हुआ है, अर्थात ग्रैंड ट्रंक रोड से नहीं जुड़ा हुआ है? अगर किसी ने आपसे पूछा कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया, तो आप आंख बंद करके कह देंगे शेरशाह सूरी ना। यहां पर इतने शासक हैं, आपको क्या ऑप्शन लगता है कौन नहीं जुड़ा होगा? हम आपको इसका इतिहास बताते हैं। बात क्या थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, समझिएगा, क्योंकि प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था और मौर्य वंश का महत्वपूर्ण बंदरगाह ताम्रलिप्ति था जो कि पश्चिम बंगाल में था। अब मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल से कोई सामान तक्षशिला जाना है तो हवा में तो उड़ के जाएंगे नहीं, रोड से ही जाएंगे, किसी ना किसी रोड से, पेशावर, कलकत्ता। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने सोनार गांव जो है ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, ठीक, अभी बांग्लादेश में चला गया है। सोनार गांव से तक्षशिला तक उत्तरापथ का निर्माण करवाया था। किसका? उत्तरापथ। पथ माने रास्ता, उत्तर माने उत्तर दिशा का रास्ता। उत्तरापथ का निर्माण करवाया था जिसको शेरशाह सूरी ने पक्की करवाई थी। किसने पक्की करवाई थी? शेरशाह सूरी ने। और आधुनिक भारत का जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, ऑकलैंड, जिसके शासनकाल में अफगानिस्तान का युद्ध हुआ था, तो जब वो कलकत्ता से आ रहा था तक्षशिला, तो वो कहा कि ये तो एक ऐसी सड़क है जैसे मैं हाथी के सूंड पर चढ़ते हुए चला जा रहा हूं, और ये जो बात गौरव पांडे बता रहा है ना गूगल बताएगा ना कोई टीचर आपको बता सकता है। याद रखिएगा, बहुत अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकाले हैं दोस्त, और ये मेरी ये बात आपके मन में मुस्कुराहट जरूर लाएगी, मुझे वादा है, इस बात का वादा है, करता नहीं हूं, पहली बार कह रहा हूं। तो जब ऑकलैंड जा रहा था बंगाल से, क्योंकि उसमें बंगाल में गवर्नर जनरल होते थे, और वो जा रहा था अफगानिस्तान, तो इसी रास्ते से जाएगा, तो उसने कहा कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं हाथी के सूंड पर चढ़ते हुए चला जा रहा हूं, क्योंकि भारत के नक्शे का ऊपरी हिस्सा जो है वो हाथी की मुंह की तरह बनता है, पाकिस्तान को मिला दिया जाए ऐसे करके, इसे ट्रंक माने सूंड, ग्रैंड माने सबसे बड़ा सूंड। और उसी दिशा से प्रभावित होकर ऑकलैंड ने इसका नाम क्या दे दिया? ग्रैंड ट्रंक रोड। तो मतलब शेरशाह सूरी भी इससे जुड़ा है, ऑकलैंड भी जुड़े हैं, चंद्रगुप्त मौर्य भी जुड़ा है, फिरोज शाह तुगलक नहीं जुड़ा है। तो आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। एकदम नए नए सवालों के संग्रह के साथ 50 का दम और इतिहास ज्यादातर खत्म लेकर आए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। वेलेज़ली की सहायक संधि के तहत विलय होने वाले राज्यों के क्रम का मिलाप कीजिए। आपको फोटो लेना है तो ले लीजिए। देखिए बात क्या है, ये जो सहायक संधि है इसका जन्मदाता डुप्ले को माना जाता है। किसको? डुप्ले को, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, ठीक, गवर्नर जनरल था। लेकिन भारत में सहायक संधि या सब्सिडारी अलायंस लगाने का ज्यादातर श्रेय वेलेज़ली को जाता है। इसके तहत ये एक अंग्रेजी रेसिडेंस रखते थे दरबार में, जो कि उस दरबार के राजाओं की देखरेख करता था, और जब वो उनकी मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते थे तो उसके तहत ये इनका अपने राज्यों में विलय कर लेते थे। तो सबसे पहले जिस राज्य का विलय हुआ था इसके तहत, वो कौन सा था? हैदराबाद था। सबसे पहले कौन सा दोस्तों? हैदराबाद। तो सबसे कम डेट कौन सी है? 1798। उसके बाद किस राज्य का विलय हुआ था दोस्तों?
उसके बाद आपका जो विलय हुआ था सिंधिया का हुआ था। ऑप्शन देखिए, ए का थ्री बी का फोर किसमें है? ए का थ्री बी का फोर, ऑप्शन बी। आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। और यह सवाल कई बार पूछा जाता है इस प्रकार का कि सहायक संधि का जन्मदाता कौन है या सहायक संधि किसकी है, या तो यह पूछा जाता है कि सहायक संधि के तहत सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ, या तो यह पूछा जाता है आपसे कि सहायक संधि के तहत विलय होने वाले राज्यों को क्रम से सजाइए। तो यह आपका उससे जुड़ा एक सवाल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यापनीय कुरुचक और श्वेत पट किस धर्म से जुड़े हैं? अब अगर प्रत्येक धर्म की हम व्याख्या करने लगेंगे तो द्वितीय नगरी क्रांति तो हम वैसे भी चार लेक्चर में पढ़ाते हैं, तो मतलब 4 घंटा, तो बाकी प्रश्न कब करेंगे। प्रश्न यह है कि यापनीय कुरुचक और श्वेत पट किस धर्म से जुड़ा हुआ है। ये जो तीनों शब्द हैं इसके साथ साथ एक और शब्द दे देता हूं आपको, अब आंसर मिलने लगेगा। तीर्थांकर, निग्रंथ ज्ञात्री पुत्र, ये जो शब्द हैं अब बता दीजिए आंसर दोस्तों किस धर्म से जुड़ा है। एग्जैक्टली आपका आंसर हो गया जैन धर्म से जुड़ा है, ना वैष्णो धर्म से जुड़ा है न शैव धर्म से। वैष्णो धर्म में विष्णु भगवान का 10 अवतार माना गया है जिसमें गौतम बुद्ध को 9वां अवतार माना गया है, और विष्णु भगवान का जो 10वां अवतार है कली का अवतार जो कलयुग में होगा वो अभी तक नहीं आया है। और शैव और वैष्णो धर्म के जो दक्षिण के जो वैष्णो धर्म में जो दक्षिण के अनुयायी होते थे उन्हें अलवार कहा जाता था, मतलब भागवत धर्म के दक्षिण अनुयायियों को अलवार कहा जाता था, और शैव धर्म में जो दक्षिण भारत के अनुयायी होते थे उनको नैनार कहा जाता था। शैव धर्म में 5 टोए कपालिक है, सबसे पुराना लेकिन पशुपत है। उसी प्रकार वैष्णो धर्म में सबसे पुराना मत्स्य है, और शैव धर्म में सबसे पुराना संप्रदाय पशुपत है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के बारे में ये आप जानते ही हैं, इनमें मोक्ष को निर्वाण कहा गया, और जैन धर्म में मोक्ष को कैवल्य कहा गया। ठीक, वैष्णो धर्म को मैंने क्या कहा, 10 अवतार सबसे पुराना मत्स्य, 10वां अवतार हुआ नहीं है। शैव धर्म में सबसे पुराना पशुपत संप्रदाय, शैव धर्म वाले को दक्षिण में नैनार कहते हैं और वैष्णो धर्म वाले को दक्षिण में अलवार कहते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय संग्राम समिति का गठन किसने किया? देखिए, इस समिति का जो गठन हुआ था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन की खास बात यह है कि कहा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता में लड़ा गया यह आखिरी आंदोलन था, और यह नेतृत्व विहीन होते हुए भी एक भयावह आंदोलन था। नेतृत्व भी इसलिए था कि जितने बड़े बड़े नेताओं ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी 9 अगस्त 1942 की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद जो छोटे मोटे नेता थे उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में सबसे खास बात है कि चीतू पांडे ने इसी आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन किया, और समानांतर सरकार का गठन चीतू पांडे ने गाजीपुर और बलिया में किया था। कहां पर? गाजीपुर और बलिया में। और सबसे दीर्घजीवी जो समानांतर सरकार का गठन हुआ था वो कहां पर हुआ था? सबसे दीर्घजीवी समानांतर सरकार का जो गठन था वो सतारा में वाईवी चौहान के नेतृत्व में गठित हुआ था। और इसी आंदोलन के दौरान 14 अगस्त 1942 को बंबई तथा नासिक में, कहां कहां दोस्तों? बंबई तथा नासिक में ऊषा मेहता ने रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी जिसमें राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से बोलते रहते थे, और जयप्रकाश नारायण इसी आंदोलन के दौरान अपने कुछ साथियों के साथ हजारीबाग जेल से भाग गए थे, और भागने के बाद उन्होंने केंद्रीय संग्राम समिति का गठन किया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। गफ्फार खां जो है वो तो सभी अभिनव आंदोलन से जुड़े थे। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर अगले सवाल में चलते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा था कि हर प्रकार के सवाल मैं आपके सामने लाऊंगा, पुस्तक के भी सवाल, ये भी पूछे जाते हैं। हम TWA जो है
और यह मैं हूं, वो आपको ऐसी चीज हमेशा देना चाहते हैं। देखिए, कोई लोग कहेंगे कि सर इतना तारीफ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसी बात नहीं। कुछ लोग होते हैं दोस्त जो सिर्फ और सिर्फ बुराई के लिए ही लिखने के लिए होते हैं, ठीक है। उनका काम ही है कि लोगों की बुराई करना, हम किसी की नहीं करते। हम तो खुद कहते हैं कि मैं सबसे बुरा हूं, आई एम वर्स्ट, क्योंकि मुझे बेस्ट बनना है। और जो बेस्ट बन गए उनकी जिंदगी खत्म हो गई, वो और बनेंगे का आगे चल के। और कुछ लोग होते जो केवल दूसरों की बुराई ही करते हैं, उनका काम है बैठ के लिखना है, और उनको कुछ नहीं आता होगा। और जिनको आता होगा वो जरूर समझ रहे होंगे कि पांच की क्लास में हो क्या रहा है, मिल क्या रहा है मुझे, मेरे लिए कितना फायदा हो रहा है, ठीक। बाकी तो समझदार हैं आप। तो कवि राजमार्ग पुस्तक की रचना किसने की है? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक पुस्तक की रचना की है। अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना की है। वात्स्यायन ने कामसूत्र नामक पुस्तक की रचना की है। और भास ने स्वप्नवासवदत्ता, चारुदत्त और बालचरित नामक पुस्तक की रचना की है। तो इसका आपका आंसर क्या हो गया? बी, मतलब अमोघ वर्ष। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से, दो सेकंड के अंदर, फिर अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए, अकबर के नौ रत्नों में से किसे अकबर ने कविराज की उपाधि दी थी? कुछ लोग कहेंगे सर तो बड़ा हल्का सवाल है। तो हल्का सवाल है मतलब क्या है? सवाल नहीं है क्या ये? ऐसे सवाल आते नहीं है क्या? और ये आपको पता है कि अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो हल्के सवाल भी तो रहते हैं, हम आपका एग्जाम ही तो ले रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे सवाल पढ़ रहे हैं ताकि आप उसके पहले आंसर दे दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको कहा था कि कविराज की जो उपाधि थी वो समुद्रगुप्त को भी मिली थी। कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही उपाधियां कई सारे लोगों को मिल जाती थी, और कविराज की जो उपाधि है वो इसको भी मिली थी। किसको? ये बाद में बताएंगे। अकबर के नौ रत्नों में जो फैजी था ये अकबर का दरबारी कवि था। कौन था? दरबारी कवि। अगर ये ताल्लुक तानसेन को मानते हैं दोस्त, वो गलत है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये दरबारी कवि था तो जाहिर सी बात है अकबर ने इसे ही कविराज की उपाधि दी होगी। बीरबल जो थे ये भी अकबर के नौ रत्नों में थे, जो उनके प्रमुख सलाहकार भी माने जाते हैं। और बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था, और इतना ही नहीं इनको ब्रह्मदास के नाम से भी जानते हैं। और बीरबल ने सुदामा चरित्र नामक पुस्तक की रचना की है। किसकी? सुदामा चरित्र नामक पुस्तक की रचना की। तानसेन जो थे ये भी अकबर के नौ रत्नों में थे, और अकबर ने इनको मिर्जा की उपाधि दी थी। और तानसेन को अता अली खान के नाम से भी जाना जाता है, और बीरबल को अकबर ने कवि राय की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, कवि राय कविराज दोनों अलग है, मिला मत दीजिएगा। मानसिंह जो थे ये अकबर के सेनापति थे, और अकबर ने इन्हें पुत्र की उपाधि दी थी, या ये कहिए अकबर ने इन्हें फरजंद की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ पुत्र होता है। और यही नहीं, इन्होंने ही मथुरा में वृंदावन नामक मंदिर का निर्माण करवाया था। कभी भी आपसे पूछा गया वृंदावन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो आपका आंसर हो जाएगा मानसिंह। इन चार के अलावा जो और नौ रत्न थे वो थे टोडरमल, जो कि अकबर का राजस्व मंत्री था, जिसने स्थायी बंदोबस्त रैयत वाली व्यवस्था लागू की अकबर के शासनकाल में। उसके बाद थे अबुल फजल, जो अकबर के साहित्यकार थे, जिन्होंने आईने अकबरी या अकबरनामा की फारसी भाषा में रचना की। इसके बाद थे अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि बैरम खान का पुत्र था, अकबर का सेनापति था, और सलीम का क्या था? शिक्षक था, और इसे ही रहीमदास के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद थे हकीम मुकाम, जो अकबर के रसोइया थे। उसके बाद थे मुल्ला दो प्याजा, जिसको उसकी वाकपटुता के कारण अकबर ने अपने नौ रत्नों में क्या किया था? शामिल किया था। आप कहते होंगे सर बोर्ड पर लिख दीजिए। ना 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 ना, लेक्चर को समझिए, लिखना क्या है यहां ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्त।
निम्न में से फ्रांसीसियों के लिए कौन सा कथन गलत है? निम्न में से फ्रांसीसियों के लिए कौन सा कथन गलत है? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से, सवाल बड़ा है। पहला, भारत में आने वाले सबसे अंतिम यूरोपीय थे, भाई सही है, लुई 14 का जो मंत्री था कोलबाल्ट की सहायता से 1664 में सबसे आखिरी में भारत में कौन आए? फ्रांसीसी। तो ये तो सही हो गया। इनका भारत में पहली व्यापारिक कोठी सूरत में खुली, ये भी सही है। फ्रांसीसियों की सबसे पहली व्यापारिक कोठी 1668 में कहां खुली? सूरत में। मार्टिन को फ्रांसीसियों की बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, यह भी सही है, और मार्टिन ने ही पौंडिचेरी नामक शहर की स्थापना की थी। यह बात मैंने प्रश्न संग्रह में भी आपको बताया था, गैरोल्ड एंगियर, जॉबचर नॉक और सुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला और उसके साथ साथ मार्टिन, फ्रांसिस डे, सारे लोगों के बारे में बताया। जो प्रश्न संग्रह देखे होंगे वो समझ गए होंगे। तो जब तीनों सही है तो जाहिर सी बात है, सवाल है कौन सा कथन गलत है, तो चौथा गलत होगा। पर ये कथन होना क्या चाहिए था वो भी समझ लेते हैं। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बेदरा के युद्ध में पराजित किया, ये गलत है। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को किस युद्ध में पराजित किया? वांडीवास के युद्ध में। और वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट कर रहा था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहा था। कौन कर रहा था? काउंट डी लाली। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। कौन सा कूट गलत है? हड़प्पा सभ्यता के सवाल हैं। ये हड़प्पा सभ्यता की कुछ सभ्यताएं हैं और ये नदियां हैं जिनसे वो जुड़े हुए। देखिए, आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के पास है, एकदम सही है। हिंडन जो है वो यमुना की सहायक है और इसकी जो खोज किए थे वो थे यज्ञदत्त शर्मा, और यहीं से रोटी बेलने की चौकी पाई गई। बनवाली जो है वो सरस्वती नदी के किनारे है, ये भी सही है। बनवाली की जो खोज किए थे वो कौन थे? रविंद्र सिंह विष्ट। कौन थे? रविंद्र सिंह विष्ट। और बनवाली की खास बात क्या है कि यहां से बैलगाड़ी के पहिए के निशान पाए गए हैं और पहिए बनाने की कला का विकास नवपाषाण काल से हुआ है। यहीं से उत्तम किस्म के जौ मिले हैं, यहीं से मिट्टी का हल मिला है और यहीं से जल निकासन प्रणाली का अभाव पाया गया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता अपने नगरीय सभ्यता से ज्यादा जल निकासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी। अगली जो सभ्यता है वो है रोपड़, वो है सतलज नदी किनारे, ये भी सही है। रोपड़ की खास बात क्या है? ये रूपनगर पंजाब में है, इसको भी यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा है। भारत की स्वतंत्रता के बाद, समझिएगा, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया जो सर्वप्रथम स्थल है वो रोपड़ है, और यहां से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य है, लेकिन ये जो साक्ष्य है ये पाषाण काल में कश्मीर के बुर्ज होम से भी मिला है, इसी प्रकार का गर्तावास के साक्ष्य। तो वो अगर ऑप्शन रहा या सवाल रहा कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला, ऑप्शन में बुर्ज होम रोपड़ दोनों का, तो आपका आंसर बुर्ज होम होगा उस समय। और मैंने आपसे क्या कहा, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के बाद खोजा गया सर्वप्रथम स्थल है इसीलिए रोपड़ जरूरी है। तो जो लोथल है ये लोथल आपका आंसर हो जाएगा। लोथल घग्गर नदी के किनारे नहीं है, भोगवा नदी के किनारे है, और घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा है। और कालीबंगा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहां से काली रंग की चूड़ियां पाई गई हैं, उसके साथ साथ मिश्रित प्रकार की खेती के साक्ष्य पाए गए हैं, जुते हुए साक्ष्य पाए गए हैं, अग्निकुंड पाया गया है, तीनों प्रकार का समाधिकरण पाया गया है। लोथल की खास बात क्या है? यह हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला पत्तन शहर, मतलब सबसे पहला बंदरगाह है। यही नहीं, लोथल गोदीबाड़ा भी है, एक लोथल से धान की भूसी भी मिला है, हाथी घात पैमाना भी मिला है, गेहूं पीसने की चक्की भी मिली है। तो लोथल इसलिए क्या है? महत्वपूर्ण है। चलिए, और आलमगीरपुर मैंने बताया ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अठारह के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? फोटो खींचना है तो खींच दीजिए दोस्त फट से। रैमसन मैकडोनाल्ड? नहीं, रैमसन मैकडोनाल्ड जो था ये गोल में सम्मेलन के समय, कब? गोल में सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और इसी ने ही सांप्रदायिक पांचाट पारित किया था जिसमें पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी, जिसके बाद यह आधार बनाकर 24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट किया गया। क्लीमेंट एटली? नहीं, ये भारत की स्वतंत्रता के समय, क्लीमेंट एटली जो था ये भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अगला है विंस्टन चर्चिल, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और अगला है विश्वकांत पामस्टर, तो आपका आंसर है विश्वकांत पामस्टर। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विश्वकांत पामस्टर था और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। मिलाप कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको देख लीजिए। चलिए पहले तो बताते हैं युद्ध के बारे में, करनाल का युद्ध। करनाल का जो युद्ध है, करनाल का, ये मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में हुआ था, जिसे ईरान का नेपोलियन बोलते हैं। कब हुआ था? 1739। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के साथ हुआ था, जो कि गहड़वाल वंश का शासक था। यह कब हुआ था? 1194 में। सरहिंद का युद्ध हुमायूं और आखिरी अफगानी शासक सिकंदर सूर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1555 को, जिसके बाद भारत में द्वितीय मुगल सत्ता की स्थापना होती है। चौसा का जो युद्ध हुआ था यह हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। किसके बीच में? शेर शाह सूरी के बीच में। कब? 1539 को, जिसके बाद हुमायूं जो है अपनी जान बचाने के लिए अपने घोड़े के साथ गंगा नदी में कूद गया था, जहां पर निजाम नामक भिस्ती ने इसकी जान बचाई थी, जिसको इसने आधे दिन का बादशाह बना दिया था। तो अब देखिए, करनाल का युद्ध कब हुआ है? 1739 में, ए का 3। चंदावर का युद्ध कब हुआ है? 1194 में। सरहिंद का युद्ध कब हुआ है? 1555 में। चौसा का युद्ध कब हुआ है? 1539 में। मतलब ए का 3, ठीक, बी का 4, भाई दोनों जगह है, सी का 1, तो आपका आंसर हो गया बी। क्या हो गया आंसर? बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लीजिए दक्षिण भारत का सवाल, कई लोग कह रहे थे ना सर दक्षिण भारत के सवाल कराइए, दक्षिण भारत के सवाल कराइए, लीजिए दे दिया दक्षिण भारत के सवाल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से, ये बहुत जरूरी है। यह है मंदिर और यह पूछा है स्थान कि कहां पर कौन सा मंदिर है। तो जो खजुराहो मंदिर है यह मध्य प्रदेश में है और इसका जो निर्माण है वो चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था 950 से 1050 ईस्वी के बीच में। और यही नहीं, चंदेल वंश का शासक था चंद्रवर्मन, जिसने खजुराहो शहर की स्थापना भी की है। खजुराहो है ना मध्य प्रदेश में, कहां पर है? मध्य प्रदेश। दूसरा जो है वो है कैलाशनाथ का मंदिर,
कौन सा मंदिर है? कैलाशनाथ का। कैलाशनाथ का मंदिर जो है ये कांचीपुरम में है। कहां पर है? कांचीपुरम में। कैलाशनाथ का मंदिर जो है ये कांचीपुरम में है। इसका निर्माण पल्लव वंश के शासक राज सिम्हा ने करवाया था 8वीं शताब्दी में। कब? 8वीं शताब्दी में। और यह जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली में है। नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली क्लास में बताया जाएगा सर। बृहदेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण 1010 ईस्वी में। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 1010 ईस्वी में चोल वंश के शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था। किसने? राजा राज प्रथम ने। और इसी ने सर्वप्रथम श्रीलंका को जीता भी था, या श्रीलंका पे आक्रमण करने वाला चोल वंश का जो सबसे पहला शासक था वो राजा राज प्रथम, या दक्षिण भारत का जो सबसे पहला शासक था वो राजा राज प्रथम था। और दक्षिण भारत में चोल वंश की जो नौसेना थी वो सबसे ज्यादा मजबूत थी। कभी पूछा गया चोल वंश की दक्षिण भारत की सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली नौसेना किसकी थी, तो आंसर हो जाएगा चोल वंश की। और ये जो कोरंगनाथ का मंदिर है इसको भी चोल वंश के शासक ने, जो था परांतक प्रथम, चोल वंश के शासक परांतक प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जो था सुकोरंगनाथ मंदिर है श्रीनिवासन लूर में है। अब देखिए खजुराहो कहां है? मध्य प्रदेश में। कैलाशनाथ कहां है? कांचीपुरम में। बृहदेश्वर कहां है? तंजौर में। कोरंगनाथ कहां है? श्रीनिवास वल्लूर में। आंसर आपका क्या हो गया? बी हो गया। और मंदिर से जुड़े हुए सवाल ऐसे ही आएंगे, किस शताब्दी में बने हैं? देखिए दे दिया हूं 8वीं शताब्दी, 950 से 1050। इसको किसने बनवाया ये पता नहीं, बस दिया जाता है चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया, इसका बता दिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? ये 1857 के विद्रोह के कुछ नेतृत्वकर्ता हैं, और उन्होंने कहां पर नेतृत्व किया था वो है, क्योंकि जो 1857 का विद्रोह था वो संगठित रूप से 31 मई को होने वाला था परंतु नहीं हो पाया था। आप कहेंगे सर पूरा बता दीजिए, फिर पूरा बताएंगे तो कल हो जाएगा। ये 50 का दम है, किसी 50 प्रश्नों में से आप समझ जाइए आपको प्रश्न आएंगे। और इस बात का दावा नहीं कर रहा हूं, वादा करूंगा मैं, ठीक है, कि जरूर आएंगे। अब आप कहेंगे सर आप पेपर बनाए क्या जो आएंगे, तो जो बच्चे हमसे पढ़े हैं ठीक वो जानते हैं, वो जरूर कमेंट कहेंगे कि सर जो कह देते हैं वो अक्का वाकई में फंस जाता है। तो ये 50 प्रश्न जरूर पढ़िएगा, आपके लिए बहुत ही लाभ है, क्योंकि TWA के द्वारा सिर्फ आप ही के लिए लाया गया, हमने पहले ही बताया। तो जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो बेगम हजरत महल ने कानपुर में किया था, ये एकदम सही है। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाली जो पहली महिला है वो कौन है? बेगम हजरत महल है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाली पहली महिला कौन है? बेगम हजरत महल। और भारत की सरजमी के बाहर हिस्सा लेने वाली जो सबसे पहली महिला है वो है मैडम भीकाजी कामा। बख्त खान ने दिल्ली में नियुक्त किया था, ये भी सही है। और बहादुर शाह द्वितीय ने, जो कि आखिरी मुगल बादशाह था और जिसको हुमायूं के मकबरे के पास पकड़कर रंगून भेज दिया गया, उसने भी दिल्ली में अपनी पत्नी जीनत महल के साथ इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बहादुर शाह द्वितीय ने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि? साहब ए आलम बहादुर की, समझ रहे हैं। और बख्त खां बहादुर शाह जफर द्वितीय क्या था? सेनापति था। देवी सिंह इन्होंने मथुरा में किया था, यह भी सही है। गुलाब सिंह जगदीशपुर, ये गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गुलाब सिंह ने कहां किया था दोस्तों? तो गुलाब सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व कश्मीर में किया था। और जगदीशपुर में किसने किया था? तो जगदीशपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। और यही नहीं, जगदीशपुर का विद्रोह सबसे दीर्घजीवी विद्रोह भी माना जाता है।
1857 के विद्रोह का सबसे दीर्घजीवी विद्रोह कौन सा था? जगदीशपुर विद्रोह। और यही नहीं, वीर कुंवर सिंह को बिहार का सिंह भी कहते हैं। वीर कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहते हैं। सिंह माने यहां शेर को दर्शा रहा है। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई थी? चंद्रशेखर आजाद, हमारे वीर पुरुष जो शहीद हो गए, खुद को गोली मार लिया। इन्होंने, ये एचआरए के भी सदस्य थे, हिंदू, मैंने प्रेस संग्रह में बताया है इनके बारे में आपको, इन्होंने किसकी स्थापना की थी और किसके ये सदस्य थे। तो हुआ क्या था कि जब एचएसआरए का जब विघटन हुआ, एचएसआरए का, भगत सिंह लोगों को पकड़ लिया गया, तो ये वहां से भागकर इलाहाबाद आ गए और इलाहाबाद के एलिफेंट पार्क में ये बैठे थे, जिसे आज डेट में कंपनी गार्डन लोग कहते हैं। और किसी हमारे देशद्रोहियों की वजह से मुखबरी, उनका नाम लेना मतलब खुद को जेल भेजना है, उनकी मुखबिरी की वजह से इनको अंग्रेजों ने घेर लिया और उन्होंने खुद को 27 फरवरी 1931 को खुद को गोली मार ली। तो चंद्रशेखर आजाद को कब फांसी दी गई है? 27 फरवरी 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, जो कि फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, जिन्होंने 1857 के विद्रोह की शुरुआत की थी। ये है कुछ हमारे क्रांतिकारी और उनकी फांसियों की डेट, आप लिख लीजिएगा और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। पहली बार मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की या पृथक राष्ट्र की बात कब की? मुस्लिम लीग, जिसका गठन 1906 में बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक, वही मुस्लिम लीग है ये। 1940 लाहौर में, क्या ये आंसर है? चलिए बाकी को देख लेते हैं। 1930 में इलाहाबाद में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, इसी समय मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिमों के लिए पृथक राज्य की बात कही थी। किसकी बात? पृथक राज्य की बात। 1943 में जो कराची में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, और इसी समय इन्होंने बांटो और छोड़ो का नारा दिया, क्योंकि इनको पाकिस्तान चाहिए था। ये 1931 जो कराची है, ये कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में है। इसी समय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें मूल अधिकारों की बात कही गई थी। ऊपर के तीनों मुस्लिम है, नीचे वाला जो है कांग्रेस का है। मूल अधिकारों की बात कही गई थी, ये कांग्रेस का अधिवेशन है। बाकी जो है ये मुस्लिम लीग का है। तो ऑप्शन कौन सा बच रहा है? 1940। तो 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग के अधिवेशन के समय मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया अर्थात पाकिस्तान की मांग की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। हुमायूं की मृत्यु के बाद 17 दिन के लिए मुगल बादशाह किसे बनाया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अकबर उस समय दिल्ली में मौजूद नहीं था। तो हुमायूं की भेषभूषा, उसके नाक नक्श की तरह दिखने वाले एक व्यक्ति को बादशाह बनाया गया, क्योंकि जो मुगल बादशाह होते थे वो अपनी छतों पर आते थे और आम जनता उनको देखती थी। अगर ये पता चल जाए कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो
कहीं आपसी में सामंतों में सेनापतियों में विद्रोह झगड़े न हो जाए राज्य को लेकर, यही रीजन है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद एक व्यक्ति को 17 दिन का बादशाह बनाया गया। और हुमायूं के बारे में ही नैनू पुल ने कहा है कि लड़खड़ाता हुआ शासन किया और लड़खड़ाता हुआ ही चला गया। सिकंदर सूर तो नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि ये अफगानी शासक था जिसके साथ 1555 ईस्वी में अभी बताया सरहिंद का युद्ध हुआ। हेमू एकदम नहीं हो सकता है क्योंकि हेमू जो था 1556 ईस्वी में हेमू और बैरम खां अर्थात अकबर के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें जब हेमू घायल हो गया था, उसकी आंख में तीर लग गया था और वो हाथी के हौदे में गिर गया था। इसी का फायदा उठाकर बैरम खां ने हेमू की हत्या कर दी थी। और यही नहीं, मध्यकालीन भारत में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला जो एकमात्र हिंदू शासक है वो कौन था? हेमू था, हेमचंद। बहुत खास बात है इसकी। और आखिरी विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करने वाला हेमू था, 14th नंबर, 14वें नंबर की जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की वो भी किसने धारण किया था? हेमू ने। मुल्ला बेकसी आपका आंसर है। हुमायूं के मृत्यु के बाद 17 दिन के लिए मुल्ला बेकसी को क्या बनाया गया? मुगल बादशाह बनाया गया था। और बैरम खां जो थे ये अकबर के सेनापति और अकबर के संरक्षक भी थे, जिसको अकबर ने खान बाबा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? खान बाबा की। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की? सवाल है, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की? हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था। सवाल की शुरुआत में मैंने आपको बताया होयसंग इसके शासनकाल में आया। एक्चुअली हर्षवर्धन जो था ये जो है बहुत बड़ा साहित्यकार भी था, इसीलिए इसे साहित्यकार सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? साहित्यकार सम्राट के नाम से। रवि कीर्ति द्वारा कृत, समझिएगा, रवि कीर्ति द्वारा कृत एहोल अभिलेख से, किससे? एहोल अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि नर्मदा नदी घाटी के किनारे हर्षवर्धन को पुलकेशियन द्वितीय ने पराजित किया था। और एहोल अभिलेख किसको समर्पित है? पुलकेशियन द्वितीय को। और बाण भट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के ही दरबार में निवास करते थे, जिन्होंने हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक नामक पुस्तक की रचना की है। और हर्षवर्धन ने नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे नाटकों की रचना की है। तो नागनंद की रचना की नहीं, चंडी शतक आपका आंसर होगा। इसकी रचना किसने किया है? बाण भट्ट ने किया है। किसने किया है? बाण भट्ट ने। और बाकी की रचना किसने की है? हर्षवर्धन ने। चलिए आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, निम्न को क्रम से सजाइए। क्या? निम्न को क्रम से सजाइए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसका। ये कुछ इमारतें हैं जो मध्यकालीन में बनाई गई हैं, और आप जैसा कि देख रहे हैं पीसीएस के पेपर में इमारतों से जुड़े हुए प्रश्न जरूर आ रहे हैं और वो पूछे भी जा रहे हैं। तो रोहतास दुर्ग, रोहतास दुर्ग का जो निर्माण है इसको किसने करवाया था? कोई बता पाएगा रोहतास दुर्ग का निर्माण? रोहतास दुर्ग का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। कब करवाया था? 1541 में। ठीक, शेरशाह सूरी जिसने अपनी शिक्षा दीक्षा जौनपुर में ली थी, और इसने एक वार में शेर की हत्या कर दी थी, इसलिए बाबर खान लोहानी ने इसको शेर खां की उपाधि दी थी। भारत में सर्वप्रथम चांदी के रुपए का प्रचलन, डाक व्यवस्था की शुरुआत जो भी हुई वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने इसका निर्माण पानीपत में करवाया था। और यही नहीं, भारत में मुगलों के द्वारा बनवाई गई ये सर्वप्रथम मस्जिद थी। जैसे कि भारत में
तुर्कों के द्वारा बनवाई गई सर्वप्रथम मस्जिद कुवतुल इस्लाम है, उसी प्रकार भारत में मुगलों के द्वारा बनवाई गई जो सर्वप्रथम मस्जिद थी वो काबुली बाग मस्जिद थी। दीन पनाह भवन का निर्माण 1538 ईस्वी में हुमायूं ने करवाया था। किसने करवाया था? हुमायूं ने। कहां पर? दिल्ली में। रोहतास दुर्ग जो है ये पेशावर में है और इसके कुछ अवशेष हैं जो कि बिहार में भी है। और पंचमहल का निर्माण अकबर ने करवाया था और इसका निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर करवाया था। और फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना भी किसने की थी? अकबर ने। इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, उसके साथ साथ जोधाबाई पैलेस जिसे पंचमहल के नाम से भी जानते हैं, निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। अब ऑप्शन देखिए, पहला कौन सा होगा आपका? काबुली बाग मस्जिद 1526 में, तो पहले दो आएगा, तो डी और ए दोनों में है। उसके बाद कौन सा बन रहा है? दीन पनाह भवन। कब? 1538 में। उसके बाद दो के बाद कौन आएगा? तीन। फिर कौन सा आएगा? एक। फिर कौन सा आएगा? चार। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? डी सही है। कौन सा सही है? डी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कौन सा कथन गलत है? सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कौन सा कथन गलत है? चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का महानतम शासक था। इसने अपने भाई रामगुप्त की हत्या की थी। यह एकदम सही है, क्योंकि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठता है और रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, जिसके लिए बार बार शक शासक लोग इस पर आक्रमण करते थे। और जब इसने अपनी पत्नी को शकों को देने को सोचा तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका फायदा उठाया और उसने ध्रुव स्वामिनी का भेष धारण किया और शक शासक को पराजित किया, जिसके कारण इसको सकारी की उपाधि से नवाजा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। और उसके बाद ये वापस लौटा और इसने अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी। और इस बात की जानकारी विशाखदत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में मिलती है। किसमें? विशाखदत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में मिलती है। इसने विक्रमादित्य और परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी। यह भी सही है, क्योंकि गुप्त वंश के शासक जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, भागवत धर्म के, और सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि इसी ने धारण की थी। जो विक्रमादित्य थे वो मथुरा के विक्रमादित्य थे, जिन्होंने शकों को पराजित करके 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया था, जिस पर नेपाली कैलेंडर और हमारा हिंदू पंचांग काम करता था। ये वाली भी लाइन सही है। आर्यभट्ट इसी के दरबार में निवास करते थे। इसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न निवास करते थे। अगले पॉइंट पे आते हैं। इसके शासन काल को गुप्त काल के स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है। यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ? सी वाला। क्योंकि अभी हमने आपको आज ही क्लास में बताया कि जो फायान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही आया था। और यही नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शिक्षा का प्रमुख केंद्र, प्राचीन भारत के शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला से उज्जैनी स्थानांतरित किया था। और यही नहीं, फायान इससे उज्जैनी में मिला भी था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी भी बनाई थी। तो आर्यभट्ट किसके दरबार में थे? जो नवरत्न थे चंद्रगुप्त दरबार में वो कौन कौन थे पता है? कालिदास, वराहमिहिर, छपड़क, घटकर्पर, वरुचि, शंकु, बेताल भट्ट, धनवंतरी और अमर सिंह। तो मतलब इसमें आर्यभट्ट नहीं है। तो ये जो आर्यभट्ट था ये किसके दरबार में था? कुमार गुप्त के दरबार में था। तो आर्यभट्ट किसके दरबार में था दोस्तों? कुमारगुप्त के। तो इसमें आपका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्या हो गया? सी हो गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एचएसआरए के संबंध में कौन सा कथन गलत है? एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर फिरोज शाह कोटला के मैदान में किया था। क्योंकि जब एचआरए का अंत हो गया तो एचएसआरए का गठन किया गया। यह काकोरी कांड इसी संगठन के अंतर्गत किया गया, यह गलत है।
क्योंकि जो काकोरी कांड था वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था और काकोरी कांड एचआरए के अंतर्गत किया गया था, ना कि एचएसआरए के अंतर्गत। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए। तो बाकी जो है वो सही है। इस संगठन की स्थापना दिल्ली में हुई। अभी मैंने कहा इसकी स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में हुई। विधान परिषद बम कांड इसी के तहत किया गया, एकदम सही। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधान परिषद में बम कांड किया। जब बम कांड हुआ तो उस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर चर्चा चल रही थी। उसके बाद का जो कथन है, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद इसके प्रमुख सदस्य थे, यह भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। कौन सा आपका आंसर हो गया दोस्तों? ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत लाजवाब है, इससे सवाल आपको 100% रहेगा आपके एग्जाम में। रहेगा तो रहेगा, ऐसे ही मैंने नहीं कहा 50 कदम इतिहास खत्म। रहेगा सवाल तो रहेगा, यहां से पक्का रहेगा, चाहे वन लाइनर रहे चाहे ऐसे रहे। ये कुछ विदेशी यात्री हैं जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों के दरबार में आए। कौन किसके दरबार में आया था ये मैच है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, निकोलो दी कांटी जो था ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया और इसने विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया है, एकदम सही है। ये देवराय प्रथम और फिरोज के बीच में सोनार की बेटी नामक युद्ध हुआ था। देवराय प्रथम और फिरोज के बीच में सोनार की बेटी नामक युद्ध हुआ था। दूसरा है अब्दुल रजाक। कौन है? अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक जो था ये फारस से आया था और इसने विजयनगर साम्राज्य के सचिवालय का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? सचिवालय का। और ये देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। देवराज द्वितीय जो था वो संगम वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। विजयनगर साम्राज्य में चार वंश थे, संगम वंश, तुलुप वंश, सालुप वंश और आरबीडू वंश। कौन से? संगम वंश, सुलुप वंश, संगम वंश, सुलुप वंश, तालुप वंश और आरबीडू वंश। डोमिंगो पायास, क्या नाम है इसका दोस्तों? डोमिंगो पायास। डोमिंगो पायास जो था ये पुर्तगाली था और ये जो विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक था कृष्णदेवराय, इसके शासनकाल में आया है। इसने विजयनगर के शिल्प और व्यापार का वर्णन किया है। विजयनगर साम्राज्य के शिल्प कला और व्यापार का वर्णन डोमिंगो पायास ने किया है। अच्छा, निकोलो दी कांटी जो था ये इटली से आया था, ठीक। तो भाई जब तीनों सही है तो चौथा क्या होगा? गलत होगा। तो आपका आंसर हो गया डी। तो नूनिस किसके शासनकाल में आया था? नूनिस जो था वो अच्युत राय के शासनकाल में आया था और नूनिस ने सती प्रथा का वर्णन किया है, जिस पर विलियम बेंटिक ने प्रतिबंध लगाया था राजा राम मोहन राय की सहायता से। और अच्युत राय जो है वो कृष्णदेवराय के बाद शासक बनता है। उसके बाद जो आखिरी शासक होता है वो था राम राय, जिसको राक्षस तांगड़ी के युद्ध में या तालीकोटा के युद्ध में बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर इन सम्मिलित सेनाओं ने पराजित कर दिया था और विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली पैक्ट कब हुआ था? हाँ, मुद्दा ये उठता है कि दिल्ली पैक्ट को हम और किन नामों से जानते हैं। पहले ऑप्शन पे आते हैं। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था, मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर के बीच में, गांधी के नेतृत्व में। 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 241 मील दूर दांडी तक की यात्रा किए थे।
और इन्होंने कहा था अगर ये गिरफ्तार हो जाएंगे तो इसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व तैयब जी करेंगे, और अगर तैयब जी भी गिरफ्तार हो गए तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो कौन करेंगी? सरोजनी नायडू करेंगी। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, और चौरी चौरा कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविंद समझौता हुआ था जिसके तहत यह कहा गया था कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी और नमक कर को समाप्त कर दिया जाएगा। अब मुद्दा उठता है इसमें से दिल्ली पैक्ट कौन सा है? सारे आंसर तो गलत है, ऑप्शन नहीं है क्या? है, इसका आंसर है बी, क्योंकि इसी समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो गांधी इरविन समझौते को हम और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ आपकी बात? किस नाम जानते हैं? दिल्ली पैक्ट के नाम से। चलिए लिख लिए होंगे, अगले सवाल पे चलते हैं। चले अगले सवाल पे। वॉटसन ने किस युद्ध में क्लाइव की सहायता की थी? अगला प्रश्न है, वॉटसन ने किस युद्ध में क्लाइव की सहायता की थी? बेदरा का युद्ध जो था यह 1759 में हुआ था, जिसमें डचों को पराजित किया गया। पलासी का जो युद्ध था यह 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो ने सम्मिलित सेना को पराजित किया था। मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, ठीक, और जिन्होंने फैजाबाद में बहु बेगम का मकबरा बनवाया है, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जिसे हम अली गौहर के नाम से भी जानते हैं। और बेल्लोर का जो युद्ध था यह 10 जुलाई 1806 को हुआ था, और कहा जाता है कि यह भारत का सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह था। तो भारत का जो सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह था वो कौन सा था? बेल्लोर का युद्ध। तो अभी तक के युद्धों में मैंने क्या कहा कि क्लाइव ने किसको पराजित किया है? सिराजुद्दौला को। और सवाल है वॉटसन ने किस युद्ध में क्लाइव की सहायता की? तो इसी युद्ध से क्लाइव जुड़ा हुआ है, तो यहीं पर वॉटसन सहायता करेगा। तो वॉटसन ने क्लाइव की सहायता किस युद्ध में किया है दोस्तों? पलासी के युद्ध में किया है। किस युद्ध में? पलासी के युद्ध में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते, मिलाप करना है। ये मध्यकालीन के कुछ लेखक हैं और ये उनके द्वारा लिखित पुस्तक है, नू सिपेहर, फवादुल फवाद, दीवाने चाच, सियारुल आरफिन महरुमा, ये पुस्तक है। लेखक में है शेख जमालुद्दीन, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी और बद्रे चाच। मिलाप करिए, फटाफट मिलाप करिए दोस्त, फटाफट। चलिए बात करते हैं एक एक की। पहले बात करते हैं अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की खास बात क्या है? पहला, ये दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक सुल्तानों के दरबार में निवास किया था। सर्वाधिक सुल्तानों के दरबार में निवास करने वाला जो था वो था अमीर खुसरो। ये अलाउद्दीन का दरबारी कवि था। किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन का। तीसरा, इसने सितार का आविष्कार किया था। किसका? सितार का। इसे भारत में खड़ी बोली का जनक माना जाता है, ठीक, जैसे फिरदौसी को अरबी फारसी भाषा का माना जाता है, वैसे खड़ी बोली का जनक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। और इसने भारत के जलवायु और फूल वगैरह का वर्णन किया है, जिसने जिसको और इसने इसका वर्णन जिस पुस्तक में किया है वो पुस्तक कौन सी है?
नो सिपेहर। इसने किसमें? नो सिपेहर पुस्तक में भारत की जलवायु, कृषि, भेषभूषा और पुष्पों का वर्णन किया है। किस पुस्तक में? नू सिपेहर। तो नू सिपेहर किसकी रचना हो गई? अमीर खुसरो की। इसके बाद कौन है? अमीर हसन देहलवी। अमीर हसन देहलवी जो था ये अलाउद्दीन के दरबार में था और इसे भारत का सादी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भारत का सादी, ठीक। और ये जो था निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। किसका शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया का। बद्रे चाज जो थे ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखे हैं। सॉरी, इसने अमीर हसन देहलवी ने फवाद उल फवाद की रचना की। किसकी? फवालुद फवाद की। और शेख जमालुद्दीन जो थे ये सिकंदर लोदी के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? सिकंदर लोदी के। तो मिलाप कर लेते हैं, नू सिपेहर अमीर खुसरो, फवाद उल फवाद अमीर हसन देहलवी, दीवाने चाच बद्रे चाच, सियार उल अरफीन शेख जमालुद्दीन। तो एक आ तीन, सॉरी एक आ दो, ठीक, एक आ दो मतलब बी और डी ऑप्शन है, बी का थ्री, एक आ दो बी का थ्री, किसमें? डी में। तो आपका क्या आंसर हो गया दोस्तों? डी हो गया। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत जल्दी से। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। निम्न घटना को क्रम से सजाइए। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न घटना को क्रम से सजाइए। सी आर दास की मृत्यु। भाई सी आर दास सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु थे। इन्होंने पहले असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था, बाद में बंगाल में समर्थन भी किया था और इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन 1923 में इलाहाबाद में किया था और इनकी मृत्यु 1925 में हुई थी। असहयोग आंदोलन गांधी के द्वारा जिस दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी उसी दिन प्रारंभ किया गया, 1 अगस्त 1920 को। जब 18 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव आया तो उसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को भारत में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया, जिसका निर्णय कलकत्ता के टाउन हॉल से लिया गया था। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। तो स्वदेशी और बहिष्कार हुआ था 7 अगस्त को बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में और उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ और इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की है जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और इसी समय क्या कहते हैं जो बंगाल का गवर्नर था लेफ्टिनेंट गवर्नर वो था एंड्रयू फ्रेजर। तो सबसे पहले क्या हुआ है? स्वदेशी और बहिष्कार, तीन नंबर, फिर बंगाल विभाजन, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सी आर दास की मृत्यु। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? ए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्रश्न पढ़ें। चलिए कौन सा कूट गलत है? ये चार अलग अलग संधियां हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। इलाहाबाद की संधि 1765 ये सही है। बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की दो संधि होती है, एक होती है 12 अगस्त 1765 जिसमें मुगल बादशाह से बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी छीन ली जाती है। दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 को जिसमें अवध के नवाब सुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र छीनकर
मुगल बादशाह को दे दिया गया। दूसरा है अलीनगर की संधि 1757, यह भी सही है। जब 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कालकोठरी कांड किया था तो क्लाइव मद्रास से बंगाल आया और उसने 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला को अलीनगर की संधि करने के लिए बाध्य कर दिया था। अगला है श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, यह भी सही है। यह जो संधि थी यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसलिए हुआ था कि त्रावणकोर एक जगह था दक्षिण भारत में जिसने कुछ अपराधियों को संरक्षण दिया था, जिसके कारण टीपू सुल्तान ने उस पर आक्रमण किया और इस आंदोलन का नेतृत्व खुद कॉर्नवालिस कर रहा था, क्योंकि इस समय भारत का जो वायसराय गवर्नर जनरल था वो कॉर्नवालिस था और कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में है। तो जब तीनों सही है तो गलत कौन सा है? मंगलौर की संधि। तो आपका आंसर होगा डी। अब मुद्दा यह उठता है कि मंगलौर की संधि कब हुई? मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में और 1769 में मद्रास की संधि हुई थी। ये ऊपर से लेकर अभी जो तीनों संधियां बताए हैं यहां से सी से सब आंग्ल मैसूर युद्ध से जुड़ा है। बात क्या है कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध पहला युद्ध हुआ था हैदर अली के और अंग्रेजों के बीच में, इस ये रीजन था। रीजन ये था कि दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, उसके साथ साथ मोहम्मद हैदर अली ने अंग्रेजों के जहाज के बेड़े को नष्ट कर दिया था। इसीलिए जब अंग्रेजों ने हैदर अली पर आक्रमण किया तो हैदर अली ने उनको बुरी तरह पराजित किया और जिसके बाद किसकी संधि हुई? मद्रास की संधि। इस संधि के तहत एक दूसरे को विजित प्रवेश वापस कर दिए गए और कहा गया कि दोबारा कोई दिक्कत होगी तो अंग्रेज मैसूर की सहायता करेंगे। लेकिन जब मराठों की सेना में हैदर अली पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने सहायता नहीं की, जिसकी वजह से हैदर अली काफी क्रोधित हो गया और उसने केवल बहाना खोज रहा था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। उसको बहाना यह मिल गया कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की बस्ती माहे पर कब्जा कर लिया जो हैदर अली के अंदर में आता था। और इसी समय हैदर अली ने त्रिगुट संघ की स्थापना की थी। त्रिगुट संघ में इसने हैदराबाद के निजाम और मराठों को अपने साथ रखा था, लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लेते हुए सालबाई की संधि की तो मराठों ने साथ छोड़ दिया हैदर अली का। उसके बाद क्या हुआ, जो गुंटूर प्रदेश था वो हैदराबाद के निजाम को मिल गया तो हैदराबाद के निजामों ने भी हैदर अली की सहायता छोड़ दी। हैदर अली अकेला बचा और इस वो युद्ध लड़ा और जिसकी वजह से 1782 को उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उस युद्ध का नेतृत्व टीपू सुल्तान ने किया और टीपू सुल्तान और कनौज के बीच में मंगलौर की संधि हुई। कब हुई? 1784 को। इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि जो मैंने आपको बता दिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सवाल है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पहले की कथाओं को क्या कहा गया? भाई द्वितीय नगरी क्रांति से भी तो सवाल उठाना था, ऐसे कैसे कर सकते हैं? 50 सवाल मानता हूं थोड़ा लंबा होगा, 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे। राजकुमार सर ने तो आपको 3.5 घंटे का दे दिया, जॉर्ज सर ने 2.25 घंटे दे दिया, पर मैं चीजों को छोटा कर रहा हूं, ज्यादा समय ना दो ताकि आप वीडियो को अपना एक ही दिन में डाटा से देख सके। बार बार देखने का मन नहीं करता होगा, या मन भी करता होगा तो अच्छी बात है। तब तो गौतम बुद्ध के जन्म के पहले की कथाओं को क्या कहा गया? त्रिपिटक। नहीं, त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ था और इसमें 3 हिस्से थे। सुतपिटक, जिसकी रचना आनंद ने की है, विनय पिटक, जिसकी रचना उपाली ने की है, और अधिधम्म पिटक। सुत पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के दैनिक दिनचर्या की बातें कही गई हैं, और अधिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की बात कही गई है। और यह कहां का पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। गौतम बुद्ध के जन्म के पहले की कथाओं को ध्यान सुनिएगा, गौतम बुद्ध के जन्म के पहले की कथाओं को जातक कथाएं कहते थे। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। भगवती सूत्र जो है यह जैन धर्म से जुड़ा है, जिसमें जैन धर्म के भिक्षुओं की या जैन धर्म के जो तीर्थांकर हैं उनकी जानकारी मिलती है। और जो आगम ग्रंथ है यह प्रसिद्ध जैन साहित्य है।
आगम ग्रंथ क्या है? प्रसिद्ध जैन साहित्य है। तो गौतम बुद्ध के प्रचार की भाषा पाली थी और महावीर स्वामी के प्रचार की भाषा अर्ध मगधी या प्राकृत थी। तो जो ये सब ग्रंथ है आगम ग्रंथ, ये प्राकृत भाषा या अर्ध मगधी में लिखा गया है। तो ये हो गया बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, जैन धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण पुस्तक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, ये सवाल भी जरूरी है, अक्सर पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, हम 50 सवाल इतिहास के 50 टॉपिकों से उठाने का प्रयास किए, हमने आपको बता दिया। जो एक आध चार पांच टॉपिक छूट गया वो अगली बार ध्यान दीजिए ना, वो सभी अभी दे देंगे तो फायदा क्या होगा। यहां पर जो स्टूडेंट हमारी बैच के हैं जो पढ़ रहे हैं, वो आज प्रश्न के उत्तर सब देंगे, मुझे पता है जितना उनको पढ़ाया हूं, और वो खुशी खुशी देंगे। ऐसा नहीं, और वो जानते हैं कि सर ने ये प्रश्न नहीं कराया, लेकिन सर ने व्याख्या तो हर टॉपिक की दी है, और वो खुद कहेंगे सर आप इतने प्रश्न बना कैसे लेते हैं, अभी और प्रश्न उनके लिए बनाएंगे हम। इसीलिए TWA से जुड़िए और सफलता की सीढ़ी चढ़िए। ध्यान दीजिए, आदिल शाही वंश, मुद्दा यह उठता है कि आदिल शाही वंश क्या है। तो आदिल शाही वंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने किया था। कहां पर किया था? बीजापुर में। और इसी के एक शासक थे मोहम्मद आदिल शाह, जिन्होंने बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण करवाया है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है। कुतुब शाही वंश अगला वंश है, कुतुब शाही वंश। कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुतुब शाह ने किया था, और कब? 1520 में, इसको 1489 में, और 1592 में मोहम्मद कुली ने हैदराबाद शहर की स्थापना की, और इसके साथ साथ हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। कौन? मोहम्मद कुली ने। लेकिन इसकी स्थापना किसने की है? कुतुब शाह ने। आप मेरे साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइए, लिखते जाइए अच्छे से, लिखते जाइए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक, इमाद शाही वंश की स्थापना हुई है कहां पर, कोई बता पाएगा? इसकी स्थापना किया था इमाद शाह ने, और इसकी दो राजधानी थी, एलेचपुर और गहलवाड़। और इस वंश की स्थापना कहां हुई थी? बरार। कहां हुई थी? बरार में। और बीदर में बरीस शाही ने वंश की स्थापना की थी। लेकिन सबसे पहले जो स्वतंत्र होने वाला क्षेत्र था वो जानते हैं कौन सा था? कोई बता पाएगा? क्योंकि जब बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ तो वो पांच साम्राज्यों में बट गया। चार आपके सामने हैं, बरार, बीदर, बीजापुर और गोलकुंडा। पांचवा है अहमदनगर, जहां पर मलिक अहमद ने निजाम शाही वंश की स्थापना की थी। लिख देते हैं, अहमदनगर, जहां पर मलिक अहमद ने निजाम शाही वंश की स्थापना की थी। लेकिन सबसे पहले जो स्वतंत्र हुआ था वो कौन सा था? बरार था। तो आदिल शाही वंश की स्थापना बीजापुर में हुई, ए का थ्री, ये आपको एक ही ऑप्शन से आंसर मिल गया। कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में, इमाद शाही वंश की स्थापना बरार में, और बरीस शाही वंश की स्थापना बीदर में हुई थी। क्लियर? ये जो थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य स्वतंत्र हुआ था, और बहमनी साम्राज्य का विघटन पांच राज्यों में हुआ था, पांचों लिख दिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना। सवाल को पढ़िए फट से, सवाल को पढ़िए दोस्त।
मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉर्ले भारत का सचिव था, लॉर्ड मिंटो इस समय भारत का वायसराय था, इन दोनों ने मिलाकर एक सुधार लाया जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद ने अतिरिक्त सदस्यों की सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। बिल्कुल सही है, पहले केंद्रीय विधान परिषद में सुझाव के लिए या अतिरिक्त जो सदस्य रहते थे सुझाव कमेटी को छोड़कर 16 होते थे, इसने 60 कर दिया। भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधि प्रणाली अपनाया गया, यह भी सही है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, नहीं, प्रांतों में, केंद्र में द्विसदनात्मक जो विधायिका थी दोस्त, ये मॉर्ले मिंटो के हिसाब से नहीं किया गया, ये कब किया गया, 1919 के अधिनियम से किया गया। किसके अधिनियम से? 1919 के अधिनियम से, और 1935 के अधिनियम से प्रांतों में कर दिया गया, और मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र, सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्या हो गया? सी। फोटो लेना चाहे तो ले लीजिए फट से। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के बारे में, हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लेना चाहे तो ले लीजिए। चलिए, विजयनगर साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन गलत है? विजयनगर साम्राज्य, ठीक, हम्पी से पहले उसकी राजधानी अनेगोंडी थी। बात क्या है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। किसने? हरिहर और बुक्का ने। हम्पी के पहले उसकी राजधानी अनेगोंडी थी, ये एकदम सही है। हम्पी राजधानी बाद में बनी थी। बुक्का प्रथम के शासनकाल में पहली बार दक्षिण भारत में बारूद का प्रयोग हुआ था, यह भी सही है। देवराज द्वितीय ने गज बेटकर की उपाधि धारण की थी। गज बेटकर मतलब हाथियों का शिकारी, गज माने हाथी होता है, हाथियों का शिकारी, जिसकी वजह से इसको क्या कहा गया? गज बेटकर। और ये अपने पास कुरान भी रखता था, यह भी सही है। तो डी जो ऑप्शन होगा यही आपका आंसर होगा। डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कृष्ण देव राय के दरबार में तेलुगु के 9 विद्वान निवास करते थे जिन्हें नवरत्न कहा गया, यह गलत है। भारत के इतिहास में केवल 2 ही नवरत्न थे, 2 ही लोगों के, एक अकबर के, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो ये इसका सही क्या होगा? तेलुगु के 9 विद्वान नहीं, 8 विद्वान निवास करते थे जिन्हें नवरत्न नहीं कहा गया, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा गया। कभी पूछा गया कि अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे, तो आपका आंसर होगा कृष्ण देव राय। और सबसे जो महत्वपूर्ण थे वो थे अल्लासीन पेड्डाना। अल्लासीन पेड्डाना कृष्ण देव राय के दरबारी कवि थे जिन्हें आंध्र की कविता का पितामह भी कहा जाता है। मतलब आंध्र मतलब आंध्र प्रदेश में जो कविता के पितामह थे वो थे तेलुगु कविता के पितामह अल्लासीन पेड्डाना थे। और अल्लासीन पेड्डाना किसके दरबारी कवि थे? कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय के बाद अच्युत राय शासक बनता है, और अच्युत राय के बाद राम राय शासक बनता है, और 1565 में तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी के युद्ध में बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, इन सब राज्यों ने आपस की सम्मिलित सेना ने मिलकर अकेले राम राय से युद्ध किया, और इस युद्ध में राम राय पराजित हो गया और इस वंश का नाश हो गया। लास्ट में आरवीडू वंश आया। क्लियर? चलिए इसको याद रखिएगा। कहीं पूछा गया आंध्र कविता का पितामह किसे कहा गया, तो आपका आंसर होगा अल्लासीन पेड्डाना। चलिए अगले सवाल पे पढ़ते हैं। ये बहुत छोटा सा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, ठीक। सिजदा और पैबोस प्रथा किसके द्वारा लाया गया? सिजदा मतलब होता है कि घुटने पे गिरकर राजा को सलाम करना, और पैबोस मतलब होता है लेटकर राजा के पैरों को चूमना, इसी को कहा गया सिजदा पैबोस। ये एक सिजदा और पैबोस जो है, सिजदा और पैबोस एक
ईरानी प्रथा या फारसी प्रथा, और अपने दरबार में ईरानी और फारसी प्रथा की शुरुआत करने वाला बलबन था। तो कौन लाया था? बलबन लाया था। और शाहजहां ने सिजदा और पैबोस पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था। सिजदा और पैबोस के साथ साथ इसने नौरोज त्योहार का भी प्रचलन किया था, और नौरोज त्योहार पर प्रतिबंध लगाने वाला औरंगजेब था, ठीक, और सिजदा और पैबोस पर प्रतिबंध लगाने वाला शाहजहां था। और ये दोनों जो प्रथाएं हैं, नवरोज त्योहार और सिजदा और पैबोस प्रथा, ये ईरानी या फारसी प्रथा है। फोटो खींच लीजिए आप खींचना चाहें। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। केबी हेडगेवर ने किसके शासनकाल में आरएसएस की स्थापना की? आरएसएस बहुत ज्यादा इस समय हाईलाइट है, आप जानते हैं, तो इसका जो सीधा सीधा आंसर मैं आपको बता देता हूं। करजन के बारे में जानते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन। श्री राजगोपालाचारी के बारे में जानते हैं, स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। माउंटबेटन भारत का आखिरी वायसराय और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। और इसका आंसर है रीडिंग, और रीडिंग जो था ये एकमात्र यहूदी वायसराय था, मतलब ज्यू। हमेशा भी याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जाता है कि एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, तो वो कौन था? रीडिंग था। कौन था दोस्तों? रीडिंग। फोटो लेना चाहे तो ले लीजिए आप। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। 44 देखिए, सिख गुरुओं के बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है, हमने सिख गुरुओं के बारे में भी डाल दिया। पहले है अर्जुन देव, ये पांचवे गुरु थे, जहांगीर के समकालीन थे, जिन्होंने हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था, हरमंदिर साहब मंदिर का, जहां पर रणजीत सिंह ने गोल गुंबज, स्वर्ण गुंबज लगवाया था, सोने का, गोल्डन टेम्पल देखे होंगे, सोने का गुंबज लगवाया था, स्वर्ण गुंबज, जिसके बाद अंग्रेजों ने इसे स्वर्ण मंदिर नाम दिया। और जहांगीर ने ही गुरु अर्जुन देव की हत्या भी करवाई थी, क्योंकि जब जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के शासनकाल में विद्रोह कर दिया था, तो खुसरो गुरु अर्जुन देव के यहां शरण ली थी, जिसके बाद गुरु अर्जुन देव ने इसकी इनकी हत्या करवा दी थी, जिसके बाद जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। दोस्तों लगातार क्लास हो रही है ना, तो थोड़ा बहुत वर्डिंग में वो होगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, सॉरी। चलिए, गुरु तेग बहादुर नौवे गुरु थे, और इनकी हत्या औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने। गुरु रामदास चौथे गुरु थे, और ये अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इन्हें 400 गांव दान में दिए थे, जिसको ये आधार बनाकर अमृतसर शहर की स्थापना किए थे। और यही नहीं, इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी अकबर के शासनकाल में। और ये रामदास हैं, और कभी अगर आपको संत रामदास दे दिया जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, संत रामदास दूसरे हैं, वो औरंगजेब के शासनकाल के हैं, और गुरु रामदास ये सिख गुरु हैं। और जो हरगोविंद थे ये सातवें गुरु थे, ये छठवें गुरु थे, और इन्होंने पहली बार सैनिक प्रशिक्षण देना चालू किया। किसको? सिख संतों को सैनिक प्रशिक्षण देना चालू किया। उसके बाद इन्होंने तख्त का निर्माण करवाया था। कहां पर तख्त का निर्माण करवाया था दोस्तों? ठीक, तख्त अकाल बंगा भी कहा जाता है। इन्होंने तख्त अकाल बंगा का निर्माण करवाया था स्वर्ण मंदिर के अंदर। आप जाएंगे मंदिर घूमने तो है वहां पर। तो ये कुछ सिख गुरु हैं। तो पहला कौन है? पहले कौन आएगा? रामदास, फिर अर्जुन देव। तीन एक किसी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक, तो यहां से खास बात ये निकली कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की, हर मंदिर साहब मतलब स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, स्वर्ण गुंबज किसने लगवाया,
औरंगजेब ने किसकी हत्या की और किसने स्वर्ण मंदिर के अंदर तख्त आकाल बंगा मतलब एक तख्त रखा था, किसने रखा था? तो हरगोविंद ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा सही सुमलित नहीं है? ये जनजाति विद्रोह है दोस्तों कुछ, ठीक। पहला है मुंडा विद्रोह, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था छोटा नागपुर में। यहां पर मुंडारी या खूटकट्टी ये एक सामूहिक खेती का प्रचलन चलता था। जब नई नई राजस्व व्यवस्था आई, मुंडारी या खूटकट्टी सामूहिक खेती का प्रचलन था, जब नई नई राजस्व व्यवस्था आई तो लोगों की सामूहिक खेती पर प्रतिबंध लगा दिया और इन्होंने अपना अपमान समझा। तो बिरसा मुंडा ने यहां पर इस आंदोलन का नेतृत्व किया और बिरसा मुंडा खुद को ईश्वर का भेजा हुआ दूत कहते हैं। उन्होंने सिंह बोंगा की पूजा करने के लिए कहा। तो ये सही है, ये विद्रोह 1895 से 1901 तक चला। अगला है चेचू आंदोलन। चेचू आंदोलन जो है इसको जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं और इस आंदोलन में गांधी ने भी हिस्सा लिया। 1820 में तो गांधी पैदा नहीं होंगे, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। बात क्या है? चरवाहा शुल्क, चरवाहा होते हैं ना, चरवाहा जो जानवर चरवाते हैं, चराते हैं, तो चरवाहा शुल्क बढ़ाने के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया आंध्र प्रदेश में। वेंकटप्पा जो थे ये इसके नेतृत्व करता थे। अगला जो है कोल विद्रोह, ये भी सही, अब आंसर तो मिल ही गया। तो ये मतलब कोल विद्रोह भी कब हुआ? 1831 में। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो चावल से शराब का उत्पादन होता था उस पर शुल्क लगा दिया गया, जो कि आदिवासियों को बहुत आसानी से मिल जाता था। इसके साथ साथ इनकी जमीनों को छीनकर किसको दे दिया गया? मुस्लिमों और सिखों को, जिसके कारण बुद्धो भगत ने किसका नेतृत्व किया? कोल विद्रोह का। और सभी जो विद्रोह है आदिवासी विद्रोह, उसमें से संताल विद्रोह सबसे शक्तिशाली माना जाता है, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। स्थायी बंदोबस्त के बाद वहां पर जमींदारी व्यवस्था आ गई, जिसके बाद संथाल के लोगों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो इसका आंसर हो जाएगा चेचू आंदोलन। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये सवाल अच्छा है, अपने नया है, इसको देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व कौन सी राजनीतिक संस्था अखिल भारतीय संस्था थी? ठीक। बात क्या है कि लोगों में राजनीतिक चेतना की भावना जगाने का श्रेय, समझिएगा, भारत में लोगों की राजनीतिक चेतना जगाने का जो श्रेय है वो राजा राम मोहन राय को जाता है। और भारत की जो सबसे पहली राजनीतिक संस्था है वो लैंड होल्डर सोसाइटी है, जिसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने 1828 में बंगाल में किया था। लैंड होल्डर सोसाइटी का, ये बंबई की सबसे पहली राजनीतिक संस्था है, जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये मद्रास की सबसे पहली राजनीतिक संस्था है और इसने, खास बात क्या है, इसने 1857 के विद्रोह की भत्सरना की थी, मतलब उसकी बुराई की थी, उसका अपोच किया था, जिसके कारण ये जो संगठन था ये लोकप्रिय नहीं हो पाया। और जो इंडियन एसोसिएशन था, जिसके सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, जिसका गठन किए थे, ये आपका आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व इंडियन एसोसिएशन अखिल भारतीय संस्था थी, लेकिन भारत की सबसे पहली राजनीतिक संस्था कौन थी? लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1828 में बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। क्लियर। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न को क्रम से सजाइए, देख लीजिए, फोटो खींचना और फोटो खींच लीजिए आप। देखिए बीबी का मकबरा, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था
कहां पर? औरंगाबाद में। इसने अपनी पत्नी राबिया उद्दौरानी के उसमें याद में, और इसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं और दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। खिड़की मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नसीरुद्दीन का मकबरा इल्तुतमिश ने करवाया था। कहां पर करवाया था? मनकापुर में। और खिड़की मस्जिद कहां है? दिल्ली में है। और यही नहीं, यह भारत का सर्वप्रथम मकबरा था। नसीरुद्दीन का मकबरा जो इल्तुतमिश का बेटा था, यह भारत का सर्वप्रथम मकबरा था, इसीलिए इल्तुतमिश को मकबरों का जन्मदाता भी कहा जाता है। इल्तुतमिश के शासनकाल में मनकापुर में नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा बना था, जो कि भारत का सबसे पहला मकबरा था, इसीलिए इल्तुतमिश को भारत में मकबरों का जन्मदाता कहते हैं। जमात खाना मस्जिद जो है, ये निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के बगल में है, और निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वो कहां पर है? दिल्ली में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अब देखिए मेरी बात समझिए, सबसे पहले इल्तुतमिश तीन नंबर, तो नसीरुद्दीन का मकबरा, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी तीन और चार, फिर खिड़की मस्जिद, फिर बीबी का मकबरा। आपका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। क्या आंसर हो गया? डी हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सातवाहन वंश के बारे में समझिए, सातवाहन वंश के बारे में या संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सातवाहन वंश मौर्य उत्तर काल में आता है, ठीक, और सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। किसने किया था? सिमुक ने। और मौर्य उत्तर काल में सबसे लंबे वर्षों तक, मौर्य उत्तर काल में सबसे लंबे वर्षों तक शासन करने वाला जो वंश था वो सातवाहन वंश था, और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, और ये राजधानी सतकर्णी प्रथम ने बनाया था, जिसको सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। यही नहीं, ये महाराष्ट्र का सातवाहन वंश महाराष्ट्र का सर्वप्रथम ज्ञात ब्राह्मण वंश भी था, ठीक। हॉल ने गथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की, यह भी सही, यह भी सही है। सतकर्णी प्रथम के बाद हॉल शासक बनता है, जो कि एक साहित्यिक शासक था, जिसने गथा सप्तशती नामक पुस्तक की क्या की है? रचना की। इन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए। ये कई बार पूछा जाता है कि भारत में शीशे के सिक्के किसने चलवाए, तो आपका आंसर होगा सातवाहन वंश। तीनों सही है तो चौथा ऑब्वियसली गलत होगा, तो आपका आंसर हो गया डी। अब ये सही क्या है? गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में नाना घाट से जानकारी मिलती है। आज ही क्लास में भी मैंने बताया गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में, गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता बलसिरी ने नासिक का अभिलेख लिखवाया है, और गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है, ना कि नाना घाट से। तो नाना घाट अभिलेख क्या है? नाना घाट अभिलेख का निर्माण कर लिखवाने वाला सतकर्णी प्रथम था, और भूमि दान के बारे में जानकारी देने वाला, समझिएगा मेरी बात को, भूमि दान के बारे में जानकारी देने वाला सर्वप्रथम जो अभिलेख था वो नाना घाट का अभिलेख था। तो भूमि दान के बारे में जानकारी देने वाला सर्वप्रथम अभिलेख नाना घाट का अभिलेख। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अब हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए, जो भी ये 50 प्रश्न हैं, पढ़ाते बनाते हम थकते नहीं है, मतलब थक जाते हैं दिमाग पे स्ट्रेस पढ़ाते पढ़ाते, तो आप क्यों पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं? पढ़िए, प्रश्न बनाइए, एक बार प्रयास करिए कहने से हमारे, तब आपको पता चलेगा कि हम क्या अलग देते हैं आपको और क्यों देते हैं, क्यों दूसरों से बेहतर बनाते हैं आपको। समझिए, कांग्रेस की स्थापना भारत में 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी।
ये सभी जानते होंगे। और इसके जो सचिव बनाए गए वो एओ ह्यूम बनाए गए। कौन बनाए गए? एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम आईएनसी रखा, एकदम सही है। जब कांग्रेस भारत आया तो इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था, क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन। दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल यूनियन से इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया 1885 में। तो यह कथन सही है। जवाहरलाल नेहरू ने सर्वाधिक बार अध्यक्षता की है, यह भी कथन सही है। इवन जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में फैजपुर का अधिवेशन किया है, जो कि सर्वप्रथम गांव अधिवेशन भी था महाराष्ट्र के फैजपुर का। तीसरा, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, यह भी सही है। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, इसके साथ साथ सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता भी किसने की थी? अबुल कलाम आजाद ने की थी। तो जब तीनों सही है तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। लिखा है 19, अब इसको सही तो करना पड़ेगा ना। 1930 के अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया, यह गलत है। 1929 में सबसे पहले हुआ। 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद 31 दिसंबर 1929 को, ध्यान से सुनना दोस्तों, ठीक है, लिखाने की बात नहीं है, लिखाना अलग मुद्दा है, आप पता नहीं क्यों लिखने पर डिपेंड करते हैं, लेक्चर को सुनिए समझिए, बोलने से याद होता है, समझिएगा। 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस से हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, तो उसके बाद 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा फहराया था, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो क्या हुआ, निष्कर्ष निकला कि सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा कब फहराया गया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। आज के अपने आखिरी प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। पचास कदम ऐसे नाम नहीं है, आप लोग वीडियो देखते हैं, ये मैं देखा गौरव सर का, मतलब ज्योग्राफी वाले सर का, ठीक है, राजकुमार सर का देख रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, अच्छी बात है। गौरव सर का देखिएगा, ठीक है। इतिहास मानता हूं बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत बोरिंग, लेकिन मैं इसको प्रयास करता हूं इंटरेस्टिंग बनाने का, कैसे बना दूं, और इससे ज्यादा मैं प्रयास कर भी रहा हूं। मैंने क्या कहा, मैं वर्स्ट हूं, मैं सबसे बुरा हूं, और मैं बेस्ट बनने का प्रयास करता रहूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन गलत है? 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, एकदम सही है। 1939 में जब त्रिपुरी में, जबलपुर के त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और गांधी उस समय असंतुष्ट हो गए थे क्योंकि वो चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया जो है उसके अध्यक्ष बने, तो विवाद ना हो इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, कांग्रेस पद से इस्तीफा देकर किसका गठन किया था? इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक का, एकदम सही। इनका जन्म उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था, यह भी सही है। आईसीएस से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे, एकदम सही। 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटेन जाकर आईसीएस की परीक्षा टॉप की थी। हमारे सुभाष चंद्र बोस ने भी आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे, लेकिन 7 महीने के बाद, ठीक, तमाम प्रकार के विवादों से और परेशान होकर इन्होंने क्या किया, देश के हालात को देखते हुए, देश की सेवा करने को सोचा, इनके हालात को देखते हुए इन्होंने क्या किया, आईसीएस की परीक्षा से त्याग पत्र दे दिया। और आईसीएस की परीक्षा से त्याग पत्र देने वाले पूरे इतिहास में ये सबसे पहले व्यक्ति थे, तो ये भी सही है। तो मतलब आपका कौन सा ऑप्शन गलत है, कि इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, ये गलत है। आजाद हिंद फौज का गठन इन्होंने नहीं किया था, आजाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, और इन्होंने बाद में इसकी कमान किसको दी थी, सुभाष चंद्र बोस को। और यही नहीं दोस्तों, कहा जाता है कि जब महेंद्र प्रताप सिंह जो हाथरस के राजा थे, जब उनके नेतृत्व में पहली बार अस्थाई सरकार का गठन हुआ 1915 में, तो उसी समय पहली बार आजाद हिंद फौज का नाम आया, लेकिन ये वो वाला आजाद हिंद फौज नहीं है, ये दूसरा आजाद हिंद फौज है जिसका गठन किसने किया है, कैप्टन मोहन सिंह ने किया है। तो आज के इस 50 के दम में 50 सवाल इतिहास के आपके सामने, और 50 के साथ 4 ऑप्शन है,
50 गुणे 4 करिए तो कितना हुआ 200। सवाल कंप्लीट। और प्रत्येक सवाल के व्याख्याएं हैं, तीन तीन व्याख्याएं या चार व्याख्याएं, तीन औसत लेके चलते हैं, 200 गुणे 300। आज की क्लास में आप 600 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। आप सोचिएगा मेरी बात को गहन अध्ययन से कि आपने 600 प्रश्न समाप्त किया है। और इसको वीडियो को देखिएगा जरूर, आपको बहुत फायदा देगा दोस्त। आपको लग रहा होगा सर ऐसे कह रहे हैं, मैं ये बात ये दावा कर रहा हूं यहां से सवाल जरूर फंसेगा, ऐसे नहीं, हम मेहनत करके बनाते हैं। अगर हमारे प्रश्न से नहीं फंसा तुम्हारी व्याख्या से तो फंसना ही फंसना है, इसीलिए इसका नाम 50 कदम रखा गया। और ऐसे किसी दिन हम फिर किसी नए चीजों के साथ आ जाएंगे। प्रश्न संग्रह चल ही रहा है ठीक, और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए 50 कदम आ गया। बैच में हम लोग सवाल कराते ही है टॉपिक वाइज, उसके बाद कभी कभार हम लोग मिला जुला के टेस्ट लेते हैं। जो हमने अपने बच्चों से, अपने विद्यार्थियों से, अपने दोस्तों से दावा किया है, वादा किया है कि हम आपके टॉपिक खत्म होते होते, सिलेबस खत्म होते होते 700 से 800 प्रश्नों का संग्रह बनाएंगे ठीक है, 500 से 600, मिनिमम 500, उससे ज्यादा ही रहेगा, तो सारे संग्रह हम बनवाएंगे जो हमारे विद्यार्थी हैं। आप भी हमारे से आप जुड़िए, मेहनत करिए ठीक है, हमेशा मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे, और बिना मेहनत के जिसको सफलता मिलती है वो क्षणिक होती है। बाकी दोस्तों सेहत का ध्यान रखिएगा। मैं गौरव पांडे आज के साथ आपसे विदा लेता हूं, फिर किसी दिन आपके सामने मैं आ जाऊंगा। आप इंतजार करेंगे तो हर दिन आऊंगा, नहीं इंतजार करेंगे तो भी आऊंगा ठीक। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।